मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स, मेरे सभी आदर्श लोगों को सबसे पहले प्रणाम, मेरा नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट जितने साथी हैं उन सभी को भी नमस्कार, और बाकी जितने जो हजारों की तादाद में जो डिवाइस से हजारों लोग जो कनेक्ट आज इस थर्ड कोर्स सेशन के अंदर, आप सभी को भी नमस्कार। और आज तीसरे दिन के अंदर मैं पवन यादव इस ऐतिहासिक कोर्स सेशन में दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम आप सभी का, स्वागत आप सभी का। और साथियों, अभी दो दिन का सेशन हमने कंप्लीट किया और आज हमारा थर्ड सेशन आज हमारा स्टार्ट हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें कोर के बारे में आज हम लोग जानेंगे, तो अलग लीडर्स के माध्यम से आज हमको नॉलेज मिलेगी कोर में, कोर क्या होता है और कौन कौन सी वो क्वालिटियां होती है वो आज हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले पैनल के अंदर मैं मेरे सभी मेंटर्स और हम सब के मेंटर्स का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारी कंपनी के 6-time क्राउन एमिस्टर और हमारे अल्टीमेट अचीवर के पथ प्रदर्शक, वेलकम मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब। ग्रेट सर, आपका स्वागत है इस पैनल के अंदर। साथियों, उसके बाद मैं इस पैनल में स्वागत करना चाहता हूँ हमारे दोनों के दोनों क्राउन एमिस्टर लीडर और हमारे अल्टीमेट अचीवर के रचयिता। तो मैं दोनों हमारे ऐसे महान आदर्श, हम सब के रोल मॉडल, हम सब के प्रेरणा के स्रोत, हमारे ग्रेट आदर्श का मैं स्वागत करना चाहूंगा। वेलकम मिस्टर सुनहरी लाल जी एंड वेलकम मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी। ग्रेट सर, आपका स्वागत है। प्रणाम। इसी सीरीज में मैं हमारे तीनों के तीनों क्राउन लीडर्स का मैं स्वागत करूंगा, और जिनके बलबूते पे, जिनके नॉलेज के बिहाव पे, जिनके मार्गदर्शन में मेरे को चलने का मौका मिला, और मेरे को इन्हीं लाखों लोगों को आज उनके मार्गदर्शन में चलने का मौका मिला। तो ऐसे हमारे तीनों ग्रेट आदर्शकों का मैं स्वागत करूंगा। वेलकम मिस्टर हरिशंकर जी, वेलकम मिस्टर टिकेंद्र चौधरी साहब, वेलकम मिस्टर योगेश यादव साहब। ग्रेट सर, आपका भी स्वागत है इस पैनल के अंदर। और साथ ही सीरीज में मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे दोनों मरकरी लीडर, जिन्होंने आज अल्टीमेट अचीवर में बड़े बड़े इतिहास लिखे और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी। आज उन्होंने हजारों की तादाद में लोग आज उनको रोल मॉडल मान के अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे करते जा रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ, वेलकम अवर मरकरी लीडर मिस्टर रामकिशन यादव एंड मिस्टर राजवंश नागल जी। रामकिशन जी, स्वागत है आपका, और नागल साहब का भी स्वागत है। और बाकी बहुत बहुत जोरदार तालियां पवन जी के लिए, हमारे जबरदस्त मरकरी लीडर, स्वागत है आपका भी बहुत। और बाकी सभी पैनलिस्ट का भी, मैं जितने डायमंड डबल डायमंड जितने भी हमारे रेड क्लब हैं, और जो पैनल पे जितने हमारे डायमंड अबाव लीडर्स जो बैठे हैं उनका स्वागत है, और जितने हमारे रेड क्लब लीडर्स मेरे को सुन पा रहे हैं आप सभी का भी स्वागत है। साथियों, हम एक ऐतिहासिक कंपनी में, वर्ल्ड के नंबर वन कंपनी में हम लोग काम करते हैं, इस बात का हमेशा अच्छे प्राउड होता है। और सेप्सोप के अंदर काम करने वाला, सेप्सोप के अंदर इतिहास लिखने वाला एक एक डीएस जो है वो बहुत ही दमदारी के साथ आज अपने खानदान का इतिहास लिखता जा रहा है। और हमारे इस प्यारे से अल्टीमेट अचीवर परिवार के जितने लोग हिस्सा हैं, आज इस बात का मेरे को प्राउड होता है कि मैं भी उस परिवार का हिस्सा हूं, और इस परिवार के अंदर काम करने वाला, इस परिवार के अंदर निवास करने वाला एक एक जो हमारा डीएस है, डायरेक्ट सेलर है, वो आने वाले इस टारगेट के अंदर बहुत ही बड़ा इतिहास लिखने वाला है, क्योंकि टारगेट हमारा आ चुका है, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो चुका है, और आप लोगों के मोबाइल के ऊपर भी डिस्प्ले हो चुका है। और आशा करता हूं कि आपके दिमाग पे भी प्रिंट हो गया होगा कि इस बार तो बिल्कुल ये टारगेट हम किसी भी सूरत में क्वालिफाई करेंगे। तो टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए कोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और कोर के वो कौन सी बातें बच गई हैं जो दो दिन में हमने सीखी हैं, और तीसरे दिन के सेशन का आज हम शुभारंभ करते हैं, आज हम शुरुआत करते हैं। तो साथियों, इस सीरीज में अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए और कोर के बारे में बताने के लिए हमारे दिग्गज लीडर को मैं कॉल करना चाहूंगा, एक ऐसे दमदार लीडर जिनका कोर लेके आज हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। तो साथियों, अब हम कॉल करना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर करके हमारे वुड बी ट्रिपल डायमंड लीडर, वेलकम मिस्टर मुकेश प्रजापत जी। स्वागत है मुकेश जी आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लाइट शेयर कर लीजिए मुकेश। एक दो मिनट और बात करें तो जी 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 बिल्कुल कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे चांस दिया गया, मुझे मौका मिला, मैं ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और आज जो बेसिक चीज है, लगातार सुन के जो कोर की बात है, तीसरा दिन हमारा, दो दिन में बहुत बेहतरीन बातें हुई,
क्योंकि कोर की वो बेसिक बातें हैं जिनको सुन के समझ के हम यहाँ तक आए, और सर भी लगातार बोले थे कि कोर डायमंड कोर वो डायमंड कोर नहीं बनता, कोर ही डायमंड बनता है। तो कोर की बातों को मान के कल भी बहुत सारी बातें हमने सीखी, जो पूरा 100% यूजर के बारे में सर ने बताया, और नोज एंड फॉलो जो 8 स्टेप के बारे में सर ने बताया, ड्रीम के बारे में बताया, और हमने इन्विटेशन के बारे में जाना, लिस्ट के बारे में जाना, और प्लान के बारे में सर के थ्रू जाना, फॉलो के बारे में जाना, बेसिक को बनाई नहीं बातों को, और इन्हीं सिद्धांत और इन्हीं 10 स्टेप्स को फॉलो कर करके बनाया। क्योंकि जो कल सर ने रामकृष्ण सर बोल रहे थे कि गोल की तो बात हो रही थी, तो मुझे सब फील वाले ने गोल खत्म तो रोल खत्म, अब तो इंपॉर्टेंट टास्क था कि अगर आदमी का गोल ही खत्म हो जाएगा तो रोल खत्म हो जाएगा। तो गोल है मतलब रोल है, गाइड बुक आती है, उसको गाइड कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे हमारी जज वाले इसको रन करवा सकते हैं। उसी तरीके से बिजनेस में भी डायमंड बनने के लिए, डबल डायमंड बनने के लिए, या फिर सिल्वर बनने के लिए, गोल्ड और कुछ भी कदम अगर इसमें बीच में मिस्टेक होते हैं, अगर एक कदम भी हम स्किप करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम की वजह से हम उन चीजों को फेस करते हैं और बहुत सारी मुश्किल हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो आज जो मुझे मौका मिला कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और उनके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैंने कल भी बहुत सारी बातें आप लोगों से सुना, ग्रेवाल सर ने बहुत अच्छी बातें बोली सर, और मैं आपकी परमिशन हो तो ग्रेवाल सर के बारे में सीलिंग आते हैं, उनके नाम पर जो लिखा हुआ है टाइटल ग्रेवाल, ग्रेवाल का अंदर तो जो होता है वाल, मतलब डायमंड की वाल बनी है पूरी की पूरी, जिनका नाम इतना पावरफुल है, मुझे फील्ड में बैठा बैठा सोच रहा था कि नरसिंह ग्रेवाल, एक नरसिंह ग्रेवाल वो थे नरसिंह जी जिन्होंने 56 करोड़ की माया दान कर दी थी, और हमारे साथ जो नरसिंह ग्रेवाल थी ये इन्होंने मतलब हजारों डायमंड बना दी है, डायमंड की पूरी वाल बनी है। और वाल से मुझे एक बात और समझ में आती है कि जो भी सर से मिल लेता है, जो भी सर से काउंसलिंग या मीटिंग कर लेता है, उसके अंदर भी वॉल फिट कर देते हैं, क्योंकि फुटबॉल में भी वाल होती है जो हवा को रोकती है, और पानी के मोटर के अंदर भी जो पानी खींचता है उसमें भी वाल होती है, वो भी पानी को रोकती है, कंट्रोल कर देती है। उसी प्रकार आज ग्रेवाल सर का आशीर्वाद मिल रहा है और हमें भी लगातार आशीर्वाद मिला है, लगातार सर की बातों को फॉलो करके, गाइडलाइन लेके हम जितने भी लोग यहाँ, बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है, उन सब के अंदर एक ऐसा वाल फिट हुआ कि लगातार वो क्राउन बनेगा, क्राउन एम्बेसडर बनेगा, और कभी भी उसकी हवा नहीं निकलती, निकल सकती, कभी वो पिचक नहीं सकता। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है आपको देखिए सर, सत्तर नमन करता हूँ आपको, और अगेन से सारे लोगों का वापस जूम से रूम तक स्वागत करता हूँ, क्योंकि कितनी बढ़िया चीज हो गई है, इतना तो बढ़िया। उधर से कई बार हम बचपन में शक्तिमान देखते थे और कोई प्रॉब्लम आती थी तो बहुत बच्चे बोलते थे शक्तिमान तो हाजिर होता था, शक्तिमान से ज्यादा फास्ट टाइम हाजिर होते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में क्लिक करो और लाइव दर्शन होता है ऐसा। तो महाभारत में कुंती ने कर्ण को, कर्ण के लिए ऐसा आह्वान किया था, और यहाँ तुम देखो तो इतना तगड़ा हो गया कि जैसे किसी भी आदमी के लिए आह्वान कर सकते हैं, सीधा लिंक भेजने क्लिक करता है बंदा हाजिर। क्या बढ़िया बनाई दुनिया बनाने वाले ने, जबरदस्त बनाया, मतलब जूम से हमारा जो फिजिकली डिस्टेंस था वो भी खत्म कर दिया, एकदम डिजिटली प्लेटफॉर्म बना दिया है, और डिजिटली हम लगातार मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो दिलों की दूरी सिर्फ किलोमीटर में खत्म करके वो मतलब एपी में आ गई, मतलब बहुत फास्ट स्पीड में हम केपी से तुरंत लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर सारे लोगों को, क्योंकि जो भी बात मैं बोलने वाला हूँ आपका आशीर्वाद है, आप देखिए वचन है, मैं सिर्फ मेरे को कुछ भी तैयार ना, मैंने इतना कोई मैं सीखा हूँ तो मैं किसका सिखा पाऊंगा, तो मैं उसी को शेयर करने का मुझे मौका मिला है, और ये कोर की बात है तो लगातार तो मैंने फॉलो किया, फॉलो करने की वजह से यहाँ तक मैं आया हूँ और लगातार आगे फॉलो करता रहूंगा, जिससे मुझे आगे जाना है, क्योंकि होने को तो 10 कदम ही होते हैं लाइफ में, पूरे जीवन में मोड़ दो ही होते हैं और बाया, लेकिन संसार मतलब कवर करवा देते हैं, और ये 10 कदम है जो कि पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लाखों करोड़ों की टीम बना सकते हैं। आज तक सफलता के सिद्धांत यही है जिनको फॉलो करके हम कर रहे हैं, जिसमें मेरा पॉइंट आज वो है एक अच्छा टीम प्लेयर बनना, कि कैसे हम एक अच्छे टीम खिलाड़ी बन सकते हैं, खेल नहीं सकते। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, कबड्डी खो खो की बात करें, जितने भी खेल होते हैं, हर खेल के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक रिंग के अंदर, एक रिंग के बाहर। रिंग के अंदर और रिंग के बाहर वाले चीयर्स और तालियां बजाते हैं, डिपेंड ये करता है कि इस गेम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, सेफ्टॉप के अंदर, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, दुनिया के सबसे अच्छे बेहतरीन लीडरशिप हमारे साथ है, ये डिपेंड करता है कि हम इसमें खिलाड़ी बनना चाहते हैं, दर्शक बनना चाहते हैं। खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो रूल फॉलो करना पड़ेगा, खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो बातों को फॉलो करना पड़ेगा, खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो गुस्से पे काबू पाना पड़ेगा, बनना चाहते हैं तो खेल के पूरे नियमों को जानना पड़ेगा,
तो एक खिलाड़ी बनना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, भी प्लेयर बनना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर ही आगे जाके कैप्टन बनता है, एक प्लेयर जाके आगे कोच बनता है, और एक प्लेयर जाके एम्पायर बनता है। बिना प्लेयर बने इस गेम को खेल नहीं सकते, मजा भी नहीं आएगा। और तो लगातार मेरी आवाज यहाँ पर ही सर आ रही है? आ रही है। थैंक यू सर। तो एक खिलाड़ी बनना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए भी, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे समझाया गया था प्रयास करेंगे तो मान के चलो कि आप बरसक प्रयास नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप खिलाड़ी बनेंगे तो डेली मतलब आप खेल को खेल लेंगे, कभी मजा आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन प्लेयर आप बनेंगे तो किसी भी टीम को आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बिना कैप्टन वही बन पाएगा जो खिलाड़ी होगा। तो एक कैप्टन की जो प्लेयर की जो खासियत उसमें है कि एक अच्छे टीम प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत होती है अच्छे रिश्ते, क्योंकि जब तक अच्छे रिश्ते नहीं होंगे तो अच्छे रास्ते नहीं बनेंगे मंजिल जाने मंजिल पे जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हम रहते हैं, कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं, किसी के साथ हम रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि दूर से जो चीजें देखी होती हैं लगती नहीं है, दूर की चीजें कई बार एक सेल्फ इमेज बन जाती है, या फिर एक माइंड का पैराडाइम सेट हो जाता है, या फिर मॉडल दिमाग में बन जाता है, ऐसा सा सोच लेते हैं हम, या प्रीजज करके एक बढ़िया सा इमेज बना लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा सोचा होता वैसा होता नहीं है, क्योंकि जब चांद को भी हम दूर से देखते हैं तो जरा सा दिखता है, लेकिन जब नजदीक क्या उनके प्रकार एक अपलाइन के अंदर एक टीम खिलाड़ी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, और एक अच्छा व्यवहार और एक अच्छे रिश्ते ही एक अच्छे खिलाड़ी को मेंटेन करवा पाते हैं, क्योंकि रिश्ते अगर सही नहीं होंगे तो टूट पाएगा, और व्यवहार ऐसी चीज है कि व्यवहार से वो बोलते हैं कि व्यापार बनता है, हम इस बिजनेस में व्यापार बनाने के लिए आए, लेकिन व्यवहार सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर व्यवहार ठीक है तो व्यापार ठीक है, व्यवहार ठीक नहीं तो व्यापार ठीक नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग इस बिजनेस में आए सारे के सारे व्यवहार से एक दूसरे से मिले जुले हैं, और हमारा कोई भी जो एग्रीमेंट नहीं है सिर्फ शब्दों का एग्रीमेंट, व्यवहार से एग्रीमेंट है कि जिसका अच्छा व्यवहार होता है हम उनसे जुड़े रहते हैं, और जिनका व्यवहार खराब होता है हम उनसे हट जाते हैं, या फिर उससे धीरे धीरे हमने किनारा करना चालू कर लेते हैं। तो व्यवहार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हमें लगातार हम लोगों के बिजनेस में लोगों से ही बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के दिलों में रहते हैं, कोई हमारे दिलों में रहता है और कोई दिमाग में रहता है, किसी की बात बुरी लग जाए तो दिमाग में और अच्छी लग जाए तो दिल में, तो इसी प्रकार दो चीजें है व्यवहार और एक रिश्ता, क्योंकि रिश्ते ही है जो कि सफलता के रास्ते दिखाते हैं, तो एक खिलाड़ी के गुण होने से अच्छा व्यवहार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर मैंने ऐसे देखा कि शब्दों का भी टेम्परेचर होता है, फोन पे बैठे बैठे कोई ऐसी बात बोल दे तो हम ठंडे बैठे तो भी बेकाबू हो जाएंगे, हाइपर हो जाएंगे, और हम बेकाबू हैं तो एक अच्छी सी बात अगर कान में मीठी सी आ जाए, कल सर बोल रहे थे पवन सर की मदिरा है मतलब जो कानों से पिलाई जाती है, अगर मदिरा अगर सही ढंग से नहीं पिलाएगी बात गुस्से में भी आ सकता है, तो ये शब्दों का बड़ा टेम्परेचर होता है। और व्यवहार के लिए दो किताबें मैंने पढ़ी है जो आप लोगों ने रिकमेंड की थी, सिस्टम ने रिकमेंड किया है कि कुछ व्यवहार कुशलता जो कि लेट गिबन की बहुत अच्छी किताब है कि हमारे व्यवहार को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जहां से मैंने एजुकेशन लिया नॉर्मली वहां कभी भी नहीं समझाया गया कि व्यवहार कैसे किया जाए, कभी भी नहीं समझाया गया कि हम लोगों को कैसे डील करें, वहां सिर्फ एक ही बात समझाई जाती थी कैसे नंबर ज्यादा लाए जा सकते हैं, कैसे बेस्ट कर सकते हैं आप, कैसे टेस्ट पास कर सकते हैं, लेकिन हम जीवन के टेस्ट में हार जाते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज व्यवहारिक शिक्षा सिर्फ बिजनेस देता है हमारा सिस्टम और आप लोग देते हैं, बाकी जो एजुकेशन मिलती है वो डिप्लोमेटिक एजुकेशन मिलती है, बहुत बार डिप्लोमेटिक एजुकेशन होने के बाद और व्यवहार कुशलता के होने की वजह से अच्छे से टैलेंटेड लोग भीतर आते हैं। तो दूसरी बुक है जो कि वर्ल्ड फेमस है, सब लोगों ने पढ़ी है, डेल कार्नेगी लोक व्यवहार, और ये बताती है कि अगर हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो हम लोगों की तारीफ करें, लोगों के बारे में बात करें, लोगों में रुचि लें और लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो लोग हमारे अंदर भी इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे, तो व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क इन टीम वर्क, जब भी काम करना होता है तो हमें टीम वर्क में काम करना होता है, और टीम वर्क में काम करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर एक टीम की भावना होनी चाहिए, मेरे अंदर अगर टीम की भावना है तो मेरी टीम भी मेरी भावना से स्पिरिट मिलाएगी, मैचिंग करेगी और मेरी भावना से जुड़ गई, मेरी भावना विचारों से मिलकर काम को बड़ा अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि टीम की टास्क टीम की जरूरत तब पड़ती है सर जब कोई बड़ा टास्क हमारे हाथ छोटा टास्क आदमी इंडिविजुअल कर सकता है, सिंगल बॉडी कर सकता है, लेकिन जब बहुत बड़ा टास्क हमारे हाथ में होता है, बहुत बड़ा मुकाम हम पाना चाहते हैं, बड़ी सफलता भी जाना चाहते हैं, तो टीम की नीड पड़ती है। जैसे मैंने कई बार फील किया, जैसे हम नॉर्मली घर में डेली खाना बनाते हैं तो एक वाइफ या मदर या फिर सिस्टर भी हमारे चार पांच लोगों का खाना बना लेती है, लेकिन जब घर में बड़ा प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, फंक्शन होता है, तो जब खाना बनाने की घर के लोग खाते हैं, बाहर से टीम आती है, पूरा का पूरा वो पूरा मेहनत होता है जो सबके लिए खाना के जाता है, जब बड़ा होता है तो टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, बड़ा
होता है तो हमेशा टीम भावना की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भी बहुत बड़ा टास्क हमारे पास है, डायमंड बनना एक बहुत बड़ा टास्क है, साथ ही साथ हमारे घर की कुर्सियों को लाना बहुत बड़ा टास्क है, घर के अंदर गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना हमारा बहुत बड़ा टास्क है, सिक्स फिगर के इनकम पे जाना भी हमारा एक बहुत बड़ा। तो सारी चीजों का हमारे पास जो छोटी छोटी बातें हैं कई बार दिल से लग जाती है, कई बार दिल पे चोट कर देती है, उन बातों को भी हमें इग्नोर करना होता है। किसी टीम के साथ रहते हैं और हम सारे के सारे ह्यूमन बॉडीज हैं, कई बार बातें अच्छी लगती हैं, कई बार ना भी लगती हैं, लेकिन फिर भी हम एक टीम भावना के साथ खेलें और टीम भावना के साथ खेलेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर देंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए या फिर ट्रॉफी लाने के लिए हमेशा टीम भावना के साथ खेलना ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं अगर आपको सबसे तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक चलना है तो सबके साथ चलिए। तो टीम भावना की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, बहुत दूर तक जाना चाहते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है टीम वर्क का कि हम टीम वर्क कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसमें ऊपर जो चित्र दिख रहा है इसमें दोनों तरफ से ये बकरी दिख रही है और दोनों के गले में पट्टे डले हुए हैं और दोनों की तरफ चारा डला हुआ है और ये दोनों कोशिश कर रहे कि पहले मैं खाऊंगी, इधर वाली बोलती है कि पहले मैं खाऊंगी, और दोनों ने मना खाने का प्लान बनाया कि देखते हैं पहले किस में कितना दम, पहले कौन खाता है। तो दोनों ने खाने का प्लान किया और आपस में मतलब टूट पड़े, मतलब एकदम से कि देखो जी मेरे को पहले निपटाना है इसको, और ना इधर जा पा, ना ये खा पा रही है ना ये खा पा रही है, और दोनों की टांग ऊपर हो गई है, मुंह से निवाला नहीं, आप पूरा जोर लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, भगवान को गालियां दे रही होंगी बेटी बेटी की हमने पुकार के मार रहा है, लेकिन बाद में इनको पता चला कि टीम वर्क करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ अगर बहुत पेट भरना है और भोजन ही करना है और जीवन में आगे चलना है तो साथ मिलके करने में होगा। तो उन्होंने आए एग्रीमेंट किया, सहमति जताई, कैसा करते हैं पहले तेरा वाला फिनिश करते हैं फिर मेरा वाला फिनिश करते हैं। टेंशन ये हो जाती है कई बार कि मेरा वाला खा, हो सकता है मेरा वाला खा लिया तो फिर तेरे में हो सकता है तेरी नियत खराब हो जाए, खाने नहीं थे। तो एक छोटी सी मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि मैंने नहीं, नहीं, नहीं पहले तेरा खाते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी टास्क हम मिलके पूरा कर सकते हैं और जो भी टारगेट हम पहले इसको जोड़ के बोल सकते हैं कि पहले जो बंदा रनिंग में उसका क्वालिफाई करवा सकते हैं, हम दूसरे को मिलके यूनिटी बना के उसका क्वालिफाई करवा सकते हैं, और कोई लेवल अगर अटका हुआ था उसको लेवल अचीव करवाने में मदद कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मैं मेरा करने के चक्कर में ना तो मैं मेरा कर पा रहा हूँ ना सामने वाले का कर पा रहा हूँ, और ऐसे मतलब आदमी के मन में खटास आ जाती है यार ये तो अपने बारे में बात करते सिर्फ अपने लिए दौड़ते हैं सिर्फ अपन करना, लेकिन हम टीम को आगे बढ़ाने के लिए, टीम को उठाने के लिए, टीम के टारगेट के लिए करेंगे तो टीम डेफिनेटली हमारा साथ देगी। निश्चय आपके काम करने की जगह पर ये बोला गया कि कई बार बिजनेस में आने के बाद हम या तो फील करते हैं लोगों को हम सुधार देंगे या फिर फील करते हैं लोग इम्प्रूव हो जाएंगे या फील करते हैं लोग चेंज हो जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात डिपेंड करती है कि जिस एनवायरमेंट में हम बिलोंग करते थे किया था क्या है थे, वो सारी चीजें हमारे जीवन के ऊपर फर्क डालती है, क्योंकि इस बिजनेस के बाद के इस बिजनेस को सही तरीके की बातें सही तरीके से एसेट नहीं, क्यों शुरुआती दौर में पार्ट टाइम किया जाता था तभी मायने रखता है कि आपके संबंध अपने कार्यालय में कैसे असम में काम कर काम मैंने काम किया था, अगर वहां मेरे संबंध अच्छी थे तो मेरे संबंध यहाँ भी अच्छे हो, अगर मेरे साथ ही सही नहीं थे मैं वटी करता था वहां उसके कार्यालय रिश्ते सही नहीं है तो इसमें आपकी भी रिश्ते को सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक उसने एक ही बात की है या तो अच्छा है तो बहुत अच्छा आगे करता चला जाएगा और बहुत खराब करने का प्लान टीम में ऐसे आते हैं जो कि बड़ी ऑलराउंडर होते हैं बिल्कुल परिपूर्ण होते हैं कुछ भी लाना नहीं पड़ता काम कर देते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी होते बात बात पे समझाना पड़ता है उसके बावजूद भी समझने का प्लान नहीं करते। रिक्वेस्ट है कि इसमें ग्राउंड बनने के लिए या कैंपिंग पे जाने के लिए सबसे जो टास्क हमारे पास हमारी कैंपिंग है, कैंपिंग पे पकड़ बनाने कल हमारे शब्दों पर हमारे व्यवहार पे पकड़ बनानी पड़ती है, पास्ट व्यवहार भी इम्पोर्टेंट है डिपेंड करता है, नेटवर्क में हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। जब हम स्पॉन्सर की जगह हो तो सोच के देखें, मान लीजिए मैं एक अपलाइन के तौर पे हूँ, आप सारे लोग अपलाइन के तौर पे हैं, लेकिन जब एक नए बंदे की तरह हम सोचते हैं तो नया बंदा क्या फील करता है पहली बार जुड़ने के बाद, क्या सोचता है सिस्टम के बारे में, क्या सोचता है कंपनी के बारे में, क्या सोचता है हमारी कैपिंग के बारे में, क्या सोचता है हमारी अचीवमेंट की फोटो के बारे में, क्या सोचता है हमारी ओडीपीएम टू मस्ट्रीज के बारे में, उसकी जगह देख के हमें रख के सोचना पड़ेगा। कभी भी बिजनेस को गिर पड़कर प्रमोट करना है, बहुत बड़ा सा
निकालने के लिए या फिर कैसे भी गए के लिए या फिर अपना एक हजार का चेक बनाने के लिए या फिर अपना कोई काम निकालने के लिए हम बिजनेस की किसी वजह से गिर पड़ प्रमोट कर रहे हैं। तो हम बोलो कुछ नहीं, बस छोटा मोटा काम करता हूँ। क्या करते हैं हम? कुछ नहीं, वो दो जोड़ने का काम है। हमने कुछ नहीं, बस एक कंपनी में काम करता हूँ। कभी भी नहीं बोला जाता कि डायमंड बनाने का काम करते हैं, कभी भी नहीं बोला जाता लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, कभी बोला जाता लगातार बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसपे काम करके मैं बहुत सारा अर्निंग करने वाला हूँ, मेरे ड्रीम पूरे करने वाला हूँ। तो बिजनेस हमारा बहुत है क्योंकि शब्दों से ही तो चीज बड़ी छोटी होती है। हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हमारे वर्ल्ड क्लास को हम एकदम वर्ल्ड क्लास की तरह प्रमोट करें और बेस्ट टू बेस्ट। ये कि आपको बगैर कुछ के बहुत मिलेगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक ज्वाइनिंग के लिए या फिर कुछ के लिए कि आप जुड़ जाओ एक बार कैसे भी करके, आप ज्वाइनिंग दे दो, अपनी सेल लगा दो, देखना लाइन लगा दूंगा पर वीक चेक गिरना बैठे बैठे आप, और नहीं आए तो मुझे बता देना। तो ऐसा कमिटमेंट नहीं करें क्योंकि ऐसा करने से कभी भी पैसा नहीं आएगा। कोई अपवाद तो अलग बात है, लेकिन बिना कुछ ये पैसा मिल रहा है तो उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जब बिना पैसा आता है तो आदमी को गलत रास्ते पे ले जाता हो और काम करने को गलत डुप्लीकेशन हो जाता है। काम करूंगा आप पैसा कमाएंगे ऐसा कहना सरासर गलत है। बहुत सारे मुझे भी कई बार ऐसा फील होता है कि यार मेरे करने क्लाइंट का चेक बन करने से फलाने का चेक बनता है, मैं काम करता हूँ पैसा जाता है, मैं तो सारे दिन काम करता हूँ, वो बैठ मैं सारे दिन फील्ड में रहता हूँ, मैं सिटी छोड़ के पड़ा रहता हूँ और उसको कोई नहीं। अगर ऐसा सरासर गलत है क्योंकि टीम वर्क का काम है। कुछ जानकारी होती जो टीम को हम छुपा लेते हैं या फिर शेयर नहीं कर पाते हैं तो बाद में से मालूम पड़ता है तो बंदा क्यों ज्यादा परेशान हो जाता है। आदमी उस बात का दुख नहीं होता, मुझे एक बात बताई नहीं गई। आदमी का होता है कि बात किसी थर्ड पार्टी से मालूम, तो इम्पोर्टेंट चीजें बता देनी चाहिए। किसी निर्णय को अपने निमंत्रण ना थोपे। कई बार बहुत सारे लोग डीजल या नौकरी छोड़ने का, बहुत सारे लोग डीजल ले लेते दूसरी सिटी में काम करने का, कई बार डीजल ले लेते कार ले जब किस्तें नहीं जा पाती, कई बार पेट्रोल नहीं होता तो बोलते हैं आप लुवाई थी इसलिए हो गए। अप्लाई करके कई बार होता है कि हम चीजें दिल लें और जब कई तरीके नहीं होती तो इसका सीधा का सीधा आपने करवाया था आप तो सब जानते करवाया किसी ने निर्णय को अप्लाई करवा या जिसके थ्रू जिसने मोटिवेट किया डीजल लेने के लिए मदद की है। मैं भी कभी भी थूकने का प्लान ना करें। किसी की डीडी का पैसा ना लगाएं। सिस्टम कभी भी नहीं बोलता कि किसी की डीडी का पैसा आप लगाओ, आधा पैसा लगाओ, पूरा पैसा लगाओ, क्योंकि आज तक जो भी पैसा हम लगाएंगे वो बंदा ना तो एक्टिव रहेगा ना काम कर पाएगा, क्योंकि जिसका धन नहीं लगता उसका कभी मन भी नहीं लगता है। आके देखा, प्लान करके देखा, बहुत सारे लोगों की मदद भी करी, ना तो एक्टिव है ना काम कर पा रहे हैं, बल्कि हमारे प्रोडक्ट में कमियां निकाल देते हैं, बल्कि हमारे बिजनेस में कमियां निकाल देते हैं और बहुत सारी मतलब नेगेटिव चीज हमारे ऊपर थोपने का प्लान करते हैं। तो किसी भी आदमी का पैसा डीडी का मतलब ना लगाएं, सिस्टम बोलता है इस बात को, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग करके मानेंगे। सीधी बात का मतलब है कि ऐसी बात होनी चाहिए कि सामने वाला समझ जाए, और सीधी सीधी बात करके सीधी बातों को समझाया जा सकता है और ज्यादा जरूरत नहीं दिखाए। बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी सारी जरूरत देखे सामने वाला भाव खाना चालू कर देता है, कि मेरे बिना इसका काम चलेगा नहीं, मेरे बिना इसका कुछ होगा नहीं, और मैं हूं तो सब कुछ हूं। तो बहुत सारी जरूरत, इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं दिखा है कि सामने वाला काम करने की बजाय वो काम में टांग अड़ाने चालू कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। और विश्व के महान लीडर और विश्व के महान गुरु को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे को मौका मिला है महागुरु जी। और जो भी चीजें मैंने इस बिजनेस के माध्यम से, मेरा कुछ भी नहीं है, जो मैंने सीखा है यहाँ पे, क्योंकि हम तो कोरा कागज आए थे और कोरा कागज थे जो जो हमारे सिस्टम ने, हमारे गुरुओं ने, और जहाँ जहाँ यहाँ पे बैठ के इन मीटिंगों के माध्यम से कि मैंने एक क्रक्स निकाला है कि ग्रेट सर 11 साल के टाइमिंग पीरियड में आज अगर मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, और जो भी आदमी जिस लेवल पे पहुंचा है, चाहे वो 3 लाख की टीम बना चुका है महागुरु जी, नरसिंह अग्रवाल जी, या देवेंद्र शर्मा जी, या सुनहरी लाल सर, जितने भी लोग जहाँ बैठे हैं, बस एक आम और उनमें डिफरेंस केवल एक ही है कि उन्होंने मीटिंगें ज्यादा अटेंड की है, कि ज्यादा मीटिंग अटेंड की है, और सादा मीटिंग चाहे वो जूम पे हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, तो जिस लेवल पे जो भी आदमी जहाँ बैठा है वो केवल एक कारण से बैठा है कि उन्होंने मीटिंगें ज्यादा ली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बहुत सिंपल और साधारण बिजनेस है ये,
तरीके किसे किया वो कहा जाता है कि पैर में यदि कांटा लग जाए तो उस कांटे को जिसको निकालना आता है तो आसानी से निकाल सकता है, लेकिन जिसको निकालना नहीं आता वो आदमी पैर में हो सकता है उसके घाव लग जाए और पैर भी काटना पड़े। तो ये पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त सिस्टम है। और मेरा जैसा साधारण इंसान, मैं सर लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आईएएस कर रहा था, ये कर रहा था, मैं एग्जैक्टली बताऊं, हम जितने भी लोग यहाँ आते हैं भोले भाले और एकदम नॉर्मल इंसान होते हैं, बहुत ही भोले भाले, बहुत साधारण। अपने बैकग्राउंड ही बता दें, एक दो मिनट में सामने फिर चालू कर बैंक का, काफी लोग नए होंगे जो आज आपको सुन रहे हैं। और एग्जैक्टली क्या है कि इस बिजनेस को करने से पहले मैंने प्लान तो देखा था, यानी कि शुरुआत से मेरा दिमाग में एक ही बात था कि शुरुआत में 8th क्लास तक तो मैं बहुत ही उद्यमी था, और 8th क्लास के बाद मेरे को एक बार स्वाद लगा फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास आने का। और वही बात बड़ी बात है, विजेता अंदर आदमी के छिपा होता है, बस उसको तराशने की जरूरत होती है। 8th क्लास में नंबर 1 पर फर्स्ट क्लास फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे मैं लगातार आता रहा। उसके बाद ये बिजनेस प्लान जो मेरे ग्रेट गुरु है, पहले मैं उनको दोस्त मानता था, 2005 में मेरे गुरुजी मिस्टर योगेश यादव साहब ने, पहले दोस्त थे आज गुरु की उपमा मिल गई है उनको तो शुरुआत में दिखाया था मेरे को 2005 में, क्योंकि मेरा क्लासमेट थे वो मेरे साथ पढ़ते थे, पवन जी एक ही स्कूल के हम स्कूल मेट थे, पवन यादव जी है, योगेश यादव जी है, मैं हूँ, और मेरे गांव के जितने भी डायमंड प्रदीप जो शर्मा, तो वो राजकीय भीमराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐतिहासिक स्कूल है, तो उस स्कूल से हमने पढ़ाई की थी। और मैं क्या है, अपनी क्लास में टॉपर था, आगे बैठा करता था, सर एवरेज स्टूडेंट थे, सर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बहुत भाग लेते थे क्योंकि हॉस्टल में रहते थे, तो भागा दौड़ी करना, जैसे आज सिस्टम में भागा दौड़ी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरह से करते हैं। तो ये शुरुआत से ही सर ऐसे ही थे, और शुरुआत से उनका यही था। तो जब मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजिशन, यानी कि इंटेलिजेंट था 11th, और शुक्रिया ऐसा हुआ कि जो कोर्ट आर्ट्स कॉलेज अलवर में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसी टाइम सर भी आर्ट्स कॉलेज अलवर में पढ़ाई करने चले गए थे, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर में, और वहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था और कुछ छात्रावास में रहता था। तो उस टाइम क्या एक क्लास लोग जितने भी थे वो मेरे साथ में रहते थे। आज की डेट में मैं बताऊँ, मेरे जितने भी साथ के कलीग्स हैं, मैं जिनके साथ बैठा करता था, जिनकी संगत में रहा करता था, आज सारे लोग कोई RAS है, कोई IAS है, कोई असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर बन चुका है, उनको भी मैंने इन सिस्टम के माध्यम से अटैच किया है, इन जूम मीटिंगों के माध्यम से अटैच किया है, उनकी भी मैंने ज्वाइनिंग ली है। अभी जून के टाइमिंग पीरियड में इन जूम पे प्लानिंग चलते चलते मैंने कम से कम पर्सनल रेफरेंस से 10 लोगों को ज्वाइन करवा चुका हूँ, 10 लोगों को ज्वाइन करवा चुका हूँ पर्सनल मेरे माध्यम। ये जूम तो मेरे लिए वरदान साबित हो रहा है, मैं तो जहां तक मान रहा हूँ कि हर आदमी के लिए वरदान साबित हो रहा है, ये के लिए बहुत आसान है, ये बहुत इजी है और बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। तो उस टाइम जब फाइनल ईयर में मैं पढ़ रहा था, तो मेरी एग्रीगेट 71% आर्ट्स से मैं चल रहा था, और मेरे दिमाग में केवल एक ही था कि आईएएस करना है। उसी समय मैं पूरी तैयारी था, दो तीन तीन चार चार कट्टे इतने बड़े हुआ करते थे, उसमें जो भी पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल घंटे निकल जाती थी, पूरा दिन निकल जाता था, मेरे को दिन और रात का नहीं पता था। उसी टाइम अचानक हमारे ग्रेट सर योगेश यादव सर मेरे पास आए थे प्लान को बताने के लिए, बताया प्लान देखने के बाद में मेरे को नहीं पता मेरे को क्या, क्योंकि जब आदमी का गोल कोई और होता है, जब ध्यान कहीं और होता है, चाहे आप उसको कितना ही अच्छा समझा दो, कुछ नहीं समझ में आता उसको। मेरे दिमाग में केवल एक ही था कि मेरे को आईएएस हिट करना है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, सर दो तीन बार मेरे पास फॉलो अप करने के लिए भी आए, तो वो जैसे ही आते थे तो मैं भग जाता था, वो डंडा होता है वो अपने जो हॉस्टल का, मैं बोल देता था कि भाई बोल देना कि सर नहीं है, तो लेकिन समय और टाइम और परिस्थिति को मंजूर होता है। 4-5 साल में सर जो है वो एमराल्ड लेवल पे पहुंच चुके थे, और मैं क्या था, मैंने एक ऑप्शन अपनाया, टीचिंग का ऑप्शन अपनाया, तो उसके माध्यम से मैं आईएएस करूंगा। अचानक एक मंगलवार का दिन था, और आज भी शनिवार का दिन है, और बजरंग बली का दिन है, और रियल में आज बहुत ऐतिहासिक और हिस्ट्रिकल डे है। उसी दिन मैंने फास्ट कर रखा था, अचानक मैं तलाश ही कर रहा था, क्योंकि बड़ी सोच के लोग मेरे को लाइक करते थे। अभी दो तीन दिन पहले उसी बंदे को मैंने ज्वाइन करवाया, MSc है, जिसकी सोच से मैं प्रभावित हुआ था, उसी बंदे को अभी 3 दिन पहले मैंने ज्वाइन करवाया है, तो उस बंदे की सोच से प्रभावित हुआ। तो अचानक वहीं पे जब परमपिता परमेश्वर को और इस सिस्टम को और ये जो पूरी प्रकृति है, ये पूरा सहयोग बनाती है सब चीजों के लिए, मंगलवार का दिन था, अचानक योगेश
यादव साहब मेरे को मुलाकात है और एक गोचाउमी के बारे में पता था ना, मेरे को एसी का कभी टेस्ट लिया था, एसी क्या होता है, एमए बीएड कर चुका था ना, मेरे हाथ में मोबाइल था, मोबाइल तक नहीं था, क्योंकि मेरी सोच और मेरे घर पर परिवार वालों की सोच क्या थी कि भी पढ़ने वाले के पास मोबाइल की क्या जरूरत है, उससे मैं कितना पीछे चला गया था। ऐसी सिचुएशन में बस मंगलवार का दिन था, ग्रेट सर से मुलाकात हुई, उनका पूरा रुतबा और उनका पूरा प्लान, क्योंकि सब समझ में आता है कि वो तो पूरा प्लान डिजाइन होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर आदमी थे, तो उन्होंने, उनको पता चल गया कि ये किस तरह का आदमी है, उन्होंने तुरंत मेरे को होटल में ले गए और एक बस एक पेप्सी पे, एक माजा की बोतल पे लोटपोट हो गया और एक चाउमीन लोटपोट हो गया। तो आप समझो कितने साधारण इंसान थे हम। बस वहां से जैसे ही मैंने एक ही बात बोली थी ग्रेट सर को, और जब मेरे को उसमें बुलाया था, एक ही बात मैंने बोली थी उस दिन, क्योंकि गुरु जी आपने जो सक्सेस 2.5-3 साल के टाइमिंग पीरियड में जो सक्सेस लिया है, क्योंकि उतने समय में यदि आपने सक्सेस लिया तो फिर आपके एक्सपीरियंस का क्या फायदा। बस एक बात मेरे को बता दीजिए कि मैं कैसे तरक्की कर सकता हूँ, मैं कैसे बड़े लेवल पे जा सकता हूँ और कैसे मैं बहुत बड़े लेवल पे जा सकता हूँ। एक ही बात मेरे गुरु जी ने बोली थी उस टाइम, श्याम जो बोला जाए, बस एक ही बात, वो मेरे प्रिंट आज भी है, कि जो बोला जाए बस वैसा वैसा करते रहना। मैं वादा करता हूँ कि आज तू जितने टाइमिंग पीरियड में मैंने सक्सेस लिया है, उसे आगे से कम टाइमिंग में सक्सेस ले जाएगा। ये बात सोच के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी और वही पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है। बस अचीवमेंट, गाड़ी, घर, बंगला, कार, BMW, 4 लाख की कैबिन, सब एक ही बात से आ रही है, सब एक ही बात से आ रही है ये सब चीजें। और ये सर, ये आगे दिख नहीं रहा, इसको आपको पीछे पीछे करें, पीछे वाली स्लाइड। हाँ, ये जो है ये मेरा वो स्टॉप वो आ रहा है, इसको कैसे साइड में इस छोटा कर लो, PPT को प्ले बटन को प्ले, स्किप जो एक की होती है ना, स्किप की बटन, बस ऐसे ही चलाओ। इसको ऊपर कर दिया मैंने, अब ये ठीक है। जब आप लाइन की जगह हो तो हमारे रजत वर्मा साहब ने भी बोला था, हमारे डायरेक्टर, ग्रेट डायरेक्टर साहब ने भी बोला था कि जब आप अपलाइन हो तो आपको कृष्ण बनना है, कृष्ण की तरह, श्री कृष्ण भगवान की तरह, और जब डाउनलाइन हो तो आपको हनुमान बनना है। तो जब शुरुआत में हमारे ग्रेट गुरुजी ने हमारे कृष्ण का रोल किया और मैंने रोल अदा किया हनुमान का रोल, और ये बात मैंने लिख भी रखी है, मेरे दिमाग पे प्रिंट कर रखी है। तो क्या करना है, अपलाइन का रोल जब अदा करे तो अपलाइन को याद रखना है, नेटवर्किंग बिजनेस अपलाइन की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि ऊपर जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा भाई। आज मेरी मान लो 50,000 की टीम है और मेरे को 1 लाख की टीम बनानी है, तो स्वाभाविक सी बात है वही बता सकता है जिसकी 1 लाख की टीम है। और यदि मेरे को क्राउन एम्बेसडर बनना है, यदि मेरे को 5 लाख की टीम बनानी है, तो जो आदमी 5 लाख की टीम पे गया है वो मेरे को बता सकता है, जिसने टारगेट क्वालिफाई किया है, जिसने विदेश का टारगेट क्वालिफाई किया है वही तो बता सकता है विदेश का टारगेट कैसे होगा। तो अपलाइन को याद, अपलाइन हमारे महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी भी बोलते हैं सर कि अपलाइन जो है ये पूरा बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है। और अपलाइन जस्ट लाइक ऐसे होता है कि अपने घरों में बड़े बुजुर्ग जो माँ बाप होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, और कहते हैं जैसे अपने देसी कहावत है कि घर में बड़े बुजुर्गों की पीपल की सी ओट होती है, पीपल बड़ की सी ओट होती है, और जिस घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो उस घर की तो तरक्की निश्चित रूप से है। तो इसलिए अपलाइन को कुछ शक्तियों का ध्यान रखना है, शक्ति सूचना की, शक्ति सिफारिश की, शक्ति सूचना की। अपलाइन को क्या ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी सूचना इन्फॉर्मेशन आती है तो ऊपर से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको राइट वे में नीचे तक पहुंचाना। कई लोग ऊपर से इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई आज तेरे को टारगेट जीतना है, मोटिवेट भी कर दिया, गोल भी दिया, लेकिन बीच में कुछ लोगों का दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता तो ऊपर की बात को नीचे तक पहुंचाते नहीं है। इससे नेटवर्क में खलबलियां और इसने नेटवर्क में दिक्कतें आती है। मैंने जिस दिन से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है ऊपर के प्रेशर को नीचे तक रिलीज किया है, जो अपने ग्रेट सर ने बोला दैट्स वही करना है। सिंपल सी बात मैंने शुरुआत से किया है। कई बार ऐसा प्रेशर फील होता है कि सर इस आज के दिन में कैसे हो जाएगा, आज के दिन में कैसे टारगेट, लेकिन मैं फिर याद करता हूँ कि तू हनुमान है, और हनुमान ने एक जड़ी बूटी उठाने बोला था कि तू जड़ी बूटी लिया लेकिन वो पहाड़ उठा लाया था, तो तू हनुमान है। शक्ति सिफारिश की, शक्ति सिफारिश की मतलब जब भी आपकी डाउनलाइन में या टीम में कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसको सिफारिश करना। शक्ति दोहराने की,
शक्ति टीम की अपलाइन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सोच, क्योंकि एक नेटवर्क में एक बंदा था वो बोल रहा था मेरे को टारगेट क्वालिफाई करना है मोबाइल का, और वो बोल रहा है नहीं सर मेरे को मोबाइल का टारगेट नहीं जीतना है, मेरे को थाईलैंड जीतना है डायरेक्ट। तो कई बार क्या होता है कि अपलाइन जैसा सोचता है, डाउनलाइन की जो होती है टीम वर्क में बहुत बड़ी ताकत है, जो हमारे ग्रेवाल साहब बोलते हैं टीम में असीम शक्तियां हैं, अनलिमिटेड पावर है, टीम की शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो अपन, क्योंकि आज अपन देख रहे हैं आज की जनरेशन जो है 5G में आ रही है, आज की जनरेशन, क्योंकि पहले के टाइम पे बोला जाता था कि छोटे बच्चे अपने माँ बाप बोलते तो को बेटा कि ये रिमोट मत छेड़, ये टीवी खेलेगी, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि बापू या क्या नाम है ये रिमोट मत छेड़, टीवी खराब हो जाएगी। तो जमाना बदल चुका है, आज की जनरेशन जो है वो बहुत फास्ट है, 5G 6G में आ रही है। शक्ति साथ रहने की, संगत से आती है रंगत। आज जो भी मैं बना शुरुआत से मैंने संगत को पकड़ा, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को अपलाइन की जगह, मेरे पास जो भी चीज है मैं आपको एग्जांपल सहित बता सकता हूँ, क्योंकि किसी किताब में मैंने एक बात पढ़ी थी कि आज आप क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आपकी जेब में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप किन लोगों के साथ, आज आपकी जेब में एक रुपया नहीं है, बस एक काम करना है संगत को बदलना है। और 5 साल तक यदि आप उनके साथ रहोगे, उनसे रेगुलर बात करोगे, उनसे रेगुलर कन्वर्सेशन करोगे, तो संगत से आती है रंगत, और 5 साल के बाद आप भी वही बन जाओगे जो आपका सीनियर है। जस्ट लाइक जैसे आदमी शराब पीता है तो शराबी के साथ शराबी के साथ रहेगा तो वो शराबी बन जाएगा। तो जो भी गलत चीज हो तो अच्छी चीज हो संगत से आती है। जैसे कि आज मेरे पास, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे सीनियर के पास मोटरसाइकिल थी, मेरे सीनियर के पास पहली गाड़ी ली तो मैंने भी पहली गाड़ी जेन एस्टिलो ली, मेरे सीनियर ने दूसरी गाड़ी i20 ली तो श्याम सिंह चौहान ने भी शेवरले की बीट थी, मेरे सीनियर ने तीसरी गाड़ी ली तो श्याम सिंह चौहान ने भी तीसरी गाड़ी इको स्पोर्ट ली, और मेरे सीनियरों के पास BMW गाड़ी है तो मेरे पास भी BMW गाड़ी है। आज मेरे सीनियर राडो वॉच पहनते हैं तो मेरे पास भी राडो वॉच है। आज मेरे सीनियर एप्पल के यूज करते हैं तो आज मेरे पास भी एप्पल है। आज मेरे सीनियर एप्पल की मैकबुक यूज करते हैं तो मेरे पास भी एप्पल की मैकबुक है। फर्क पड़ता है संगत से, संगत से आती है रंगत। और आज जो भी सोच है, जो भी मेरी सोच बनी वो संगत की वजह से बनी है। साथ रहने की बहुत बड़ी ताकत है, और कुछ इमोशंस और भावनाओं से सीख जाता है आदमी शक्ति आत्मविश्वास की। वो शक्ति आत्मविश्वास की तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो अपलाइन का, क्योंकि हम अपलाइन है, हमारे नीचे 10 20 50 100 की टीम है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कभी भी अपने को हल्की बात नहीं करनी है, ना हल्के मुंह से बोलना है। जिस दिन से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तब से यदि मेरे डाउनलाइन का या मेरी टीम के किसी भी बंदे का फोन आता है कि सब जूम पे काम नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तेरे को करके दिखाता हूँ कि काम कैसे होता है। तो हमेशा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा सातवें आसमान पे होना चाहिए। यदि हम अपलाइन है शक्ति अच्छे माहौल की, अपने को अच्छे माहौल में रहना है, क्योंकि अपन अच्छे माहौल में रहेंगे तो अपनी टीम को भी अच्छे माहौल में रख पाएंगे, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे टीम का हो। शक्ति अच्छी लीडरशिप की, अपने पास अच्छी लीडरशिप है, कैसे डेवलप होगी वो भी संगत से आएगी लीडरशिप। शक्ति सही आदतों की, अगर मैं सुबह जल्दी उठूंगा 4 बजे तो स्वाभाविक सी बात है मेरी टीम भी 4 बजे उठेगी। मैं यदि प्लान दिखाऊंगा तो मेरी टीम भी प्लान दिखाएगी। मैं यदि फॉलो अप करूंगा तो मेरी टीम भी फॉलो अप करेगी। यदि मैं अपनी शुभारंभ में लिस्ट बनाऊंगा और मैं अपनी शुभारंभ में लिस्ट में नाम ऐड करूंगा तो मेरी टीम भी स्वाभाविक सी बात है मेरे को देख देख के ऐड करेगी। क्योंकि हमारे ग्रेट गुरुजी लोग एक बात बोलते हैं कि जो आप करोगे वही नीचे डुप्लीकेट होगा। मंकी सी मंकी डू वाली कही, क्योंकि जीवन भर हमें करना क्या है, प्लान फॉलो अप जितनी भी चीजें अपने बेसिक स्टेप्स है उन्हीं को करते रहना है, उन्हीं को करते करते यहाँ तक पहुंच गए। शक्ति सही आदतों की, शक्ति ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग किताब की बात करूं जो हमारे ग्रेट सर लोगों ने बताया था, और 10 स्टेप में आता है 30 मिनट बुक रीडिंग, वो मैं आज भी करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, रोज करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि 10 core steps में जो एक स्टेप आया है ट्रेनिंग में, यदि मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आप पढ़ूंगा तो मेरी टीम भी आएगी। इसलिए जिस दिन से जूम की ट्रेनिंग चली है आज तक का इतिहास है, श्याम सिंह चौहान सबसे पहले आके ट्रेनिंग में बैठता है, चाहे कोई आए या ना आए सबसे पहले आके मेरी फोटो दिखाई दे जाती है, तो मेरे को देख के मेरी टीम कॉपी कर लेगी। और आज मैं बोल पा रहा हूँ, आज इतनी भी बातें मैं समझ पा रहा हूँ, तो ये सारा कारण क्या हुआ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में आऊंगा तो मेरी टीम में आएगी। कई बार आदमी के 4-5 लोग नहीं आते हैं, जूनियर लोग नहीं आते, तो वो बोलते हैं सर मेरी टीम में गेस्ट नहीं है, मेरी टीम में लोग नहीं आ रहे ट्रेनिंग में, तो मैं क्यों आऊं, आना है।
जिस दिन से जूम का सेटअप चालू हुआ है, चाहे वो छोटी ग्रुप मीटिंग हो चाहे बड़ी ग्रुप मीटिंग हो, सारी मीटिंगें मैंने जूम पे अटेंड की है, एक भी मीटिंग अभी तक मिस नहीं की है ग्रेट सर लोगों की। शक्ति प्रमोट करने की, प्रमोट क्या है, अपलाइन की जगह अपन खुद है तो प्रमोट करना अपने को, जितने भी सिस्टम की चीजें है वो प्रमोट करनी है, जितनी भी जूम का प्लान हो, जूम की मीटिंग हो, जूम की चाहे ग्रुप मीटिंग हो, चाहे ज्योतिता हो, सिकंदर हो, चाहे पर्सनल प्लान हो, चाहे इंडिविजुअल प्लान हो, चाहे शोरूम के पैनल को खरीदने की बात हो, तो ये सारी चीजें प्रमोट करने से, क्योंकि कोई भी आदमी आज जैसे कल इनविटेशन में बताया था, बिना जब ऑफलाइन में भी बिना प्रमोशन के काम नहीं चलेगा तो ऑनलाइन में भी बिना प्रमोशन के काम नहीं चलेगा। प्रमोशन हमारे इस बिजनेस की सबसे बड़ी जान, चाहे वो ग्रुप मीटिंग हो चाहे वो बड़ी मीटिंग हो, प्रमोट करके ही लोग आएंगे, अपने आप कोई नहीं आने वाला, लिंक पे यदि भेज देंगे तो अपने आप कोई नहीं आने वाला है। तो ये थी अपलाइन की जगह हो कि अपने को क्या करना है। अब जब आप डाउनलाइन की जगह है तो क्या करना है, अगर आपकी अपलाइन जरूरत के वक्त आपको तलाश करती है तो सही रास्ते पर है, कभी मिस नहीं करिए। चाहे मेरे ग्रेट सर का मैसेज आता है, कई लोगों को फोन करके बोलना पड़ता है भाई मीटिंग चालू हो गई, भाई मीटिंग चालू हो गई है, और सबसे पहले मेरा एक ही काम होता है कि मेरे ग्रेट सर का मैसेज आया तो और मैसेज मैं बाद में रीड करूंगा, सबसे पहले मैं मेरे सीनियर का रीड करूंगा, क्योंकि मेरे को अगर मरकरी बनना है तो मरकरी का मैसेज रीड सबसे पहले करूंगा, अगर मेरे को ग्राउंड बनना है तो मैं ग्राउंड का मैसेज सबसे पहले रीड करूंगा, और मैं यदि डायरेक्टर साहब का मैसेज मेरे पास आया है तो मैं डायरेक्टर साहब का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैसेज रीड करूंगा। तो क्यों, कारण यही है कि तुम रीड करोगे तो तुम्हारे मैसेज को रीड करेंगे, तुरंत एक्शन होगा। आप अपने अपलाइन द्वारा मिलने वाली सीख का सम्मान करें, जो भी अपलाइन के माध्यम से, जैसे श्री राम जी हनुमान जी को सीख देते थे तो हनुमान जी एक ही बात बोलते थे, जय श्री राम, हमें यहाँ पर केवल एक ही बात बोलना, यस सर यस सर यस सर यस सर। और यहाँ पे एक तरह से सर बोल लोग बोलते हैं फौजी बनना पड़ता है, फौजी लोग कामयाब इसलिए कि वो एक ही चीज जानते हैं, यस सर, खड्डा खोदना है यस सर, इसको भरना है यस सर, यही काम करना है यस सर यस सर करते हुए कब आपके पास अचीवमेंट आ जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। नियमित परामर्श करते रहें, काउंसलिंग करते रहें, और नियमित रेगुलर गति से आपका काम तेज चल रहा है, आपका काम धीरे चल रहा है, क्योंकि वही वाली बात है, आपको यदि ऊपर जाना है तो ऊपर वाले लोगों से नियमित डिस्कशन करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। यदि आपका रेगुलर गति से तेज काम चल रहा है तो आपको, क्योंकि गाड़ी जितनी तेज गति से जाती है उसको उतना ही ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आज हमारी गाड़ी जिस तेज गति से दौड़ रही है तो उस टाइम ज्यादा ड्राइवर को ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो यही है, नियमित काउंसलिंग करते रहें, कोई भी चीज समझ में नहीं आए मैं तो करता हूँ, मैं तो रेगुलर गति से, आज मैं मेरे गुरुजियों लोगों को मैंने पूर्ण समर्पित कर रखा है कि सर जहाँ पे भी कोई बात हो, कोई भी हो, क्योंकि हम पूरा करियर और बहुत सारे लाखों लोगों ने करियर लगा रखा है, जहाँ पे भी आपको कोई भी चीज छोटी से छोटी, आज चाहे मैं वीनस बनने वाला हूँ, चाहे मैं मरकरी बन जाऊं, चाहे मैं क्राउन बन जाऊं, चाहे क्राउन एम्बेसडर बन जाऊं, मैंने मेरे ग्रेट सर को बोल रखा है, छोटी भी बात आपको बोलनी हो बेधड़क बेहिचक आप मेरे को बोल देना, शाम उसी टाइम परिवर्तन करने के लिए तैयार रहेगा। तो अप्लाई नियमित परामर्श करता रहता हूं मैं, हर अप्लाइन के प्रति हमेशा ईमानदारी से पेश आए, क्योंकि कई लोग डिप्लोमेटिक तरह से होते हैं, ऊपर यस सर यस सर कर देंगे, सर ये कर देंगे ये कर देंगे ये कर देंगे, बाद में नीचे नीचे बात करना चालू कर देते हैं, हाँ कर देंगे, ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जितने भी ऑर्डर करवाते हैं ना अपना चेक बनवाने के चक्रों में होते हैं, ऐसे होते हैं नीचे नीचे, क्या है जिनको ये नहीं पता कि किन से क्या बात करनी है, क्योंकि एक नन्ना बच्चा जो अपने पीछे चल रहा है, आपको ध्यान रखना है ये बात। तो कभी भी अपलाइन के प्रति हमेशा लॉयल रहना है, और मैं तो शुरुआत से लॉयल रहा हूं, रेगुलर जिस दिन से इस बिजनेस को ज्वाइन, हमारे ग्रेट सर सारे लोग जानते हैं कि जिस दिन से ज्वाइन किया है तब से लॉयल हूं मैं, और अपलाइन के प्रति हमेशा कोई भी अपलाइन हो, और श्रद्धा के साथ पूर्ण समर्पण के साथ बात करता हूँ, सीखने के लिए तैयार रहें, भी टीचेबल, टीचेबल का मतलब जैसे आप बैठे भी है, टीचेबल रहने का भी तरीका, एक तो आदमी लेट के सुने और एक आदमी इस तरह से, ये मेरी चेयर है मेरे पास पीछे, तो मैं ऐसे करके नहीं बात कर रहा हूँ, चेयर के भी आगे बैठा हूँ, क्योंकि इसका मतलब है टीचेबल है, और चाहे कोई भी छोटी से छोटी मीटिंग हो, चाहे बड़ी से बड़ी मीटिंग हो, क्योंकि अलर्टनेस है दिखाई देती है इससे, अभी कुर्सी पे बैठा हूं मैं लेकिन इतनी सी जगह पे मैं टिका रखा है, तो कारण क्या है कि ये एक शो करता है कि अपन टीचेबल है, और हमारे गुरुजी लोग बोलते हैं कि लर्निंग से पहले एल लगा हुआ है, एल अर्निंग से पहले लर्निंग आएगी, यानी कि सीखेगा वही सिखा सकता है, और जो जितना टीचेबल ही है होगा, क्योंकि रीडर ही लीडर बनते हैं और लर्नर ही अर्नर बनते हैं, जो रीड
कि स्वान निद्रा वको ध्यानम काक चेष्टा अल्पहारी, यानी कि स्वान निद्रा ऐसी नींद होनी चाहिए विद्यार्थी की, कठपुतले की सी नींद होनी चाहिए, वको बुगले का सा ध्यान, क्या चल रहा है नेटवर्क में, पूरे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। तो अब कैसे निकालेगा वो ध्यान, कोई व्हाट्सएप स्टेटस पे देखो, क्योंकि कई लोग को ये नहीं पता कि व्हाट्सएप स्टेटस पे तू लगा रहा है तो और टीम भी देख रही, खट 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 कर देती है। तो बहुत तगड़ा और बहुत सतर्क, बहुत अवेयर, क्योंकि ऑफलाइन से ज्यादा अवेयर अपने को ऑनलाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि अपनी टीम को अगर विजेता बनाना है तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो वको ध्यानम काक चेष्टा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शाम को खाना मत खा तो अपने आप नींद नहीं आएगी। और हमारे बोलता भी है, कल परसों एक वेबिनार पे बोल रहे थे अपने क्या नाम है वो जो अपने आर्ट ऑफ लिविंग के, कि जठराग्नि का समय होता है दोपहर 10 से 2 बजे के बीच में, जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि, उस टाइम आप जितना खा सकते हो खाओ, तुरंत पच जाएगा, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद जो खाओगे वो पचेगा नहीं, और वो क्या है कि आपको आलस्य देगा, आपको आलस्य देता है। इसलिए शाम का भोजन मैं स्किप करता हूँ, और बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट करो शहंशाहों की तरह, और दोपहर का भोजन खाओ शहजादों की तरह, और नाइट का भोजन करो बैगर की तरह, भिखारी की तरह, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम करता हूँ मैं, बोला और हाँ गुरु जी समझ में आ गई बात, कि ये काम तो मैं करता, मैं तो 4 रोटी खाता हूँ तो सोएगा ही तू, और क्या करेगा 4 रोटी खा के। तो सीखने के लिए हमेशा टीचेबल रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ हमारे ग्रेट सर भी बोलते हैं शाम थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कि क्या नाम है, इतना ज्यादा करेगा तो पता नहीं तेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। लेकिन जिस दिन से बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है तब से लेके आज तक, आज 11 साल हो गए हैं, एक पैरासीटामोल की गोली भी नहीं ली है, और स्वास्थ्य एकदम मजबूत और तंदुरुस्त, देख लो भाई सब ताकत हो रही है। क्योंकि एक शिवानंद महाराज जी है, उनको मैंने सुना था, वो बोलते हैं कि जितना आप ज्यादा काम करते हो उतना ज्यादा जीतते हो, जितना आप ज्यादा काम करते हो उतना आप ज्यादा जीतते हो, और आप मजबूत और ताकतवर होते हो, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री साहब भी बोलते हैं काम करने से नहीं थकता आदमी, काम ना करने से थकता है, काम ना करने से जो बोतरेशन हो जाती है काम ना करने से, इस वजह से थकता है आदमी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान अपने को सेल्फ को रखना है, अपने को पता है क्या करना है, सुबह उठने थोड़ा एकदम घुमा फिरी जो भी आप कर सकते हैं, किसी के कहने से मत करो, आपको जो बेस्ट लगे वो करो, क्योंकि आपकी बॉडी किस तरह से रिक्वायरमेंट मांग रही है वो आप देखिए। मेरी बॉडी मांग रही है वो मैं मेरा ध्यान रखूंगा, सुबह सुबह देखो ये अब नॉन ही ले लेता हूँ सर लोगों को देख देख के, मैं भी ऐसे ही ग्रेट सर को देख के नॉन ही ले लेता हूँ सुबह, और अपने क्या नाम ये नीचे रखा हुआ है चने है भिगो के चने खा लेता हूँ जो अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखे, मूंग खा लेता हूँ सुबह सुबह जो बॉडी को एनर्जेटिक रखे। तो अपने को पता है कि कौन सी चीज अपने को कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। और जितने भी लोग एक महाराज जी बोलते हैं कि सुबह 6 बजे से पहले नहा लेते हैं स्नान कर लेते हैं वो भी लंबी उम्र जीते, तो मैं 4:30-5 बजे नहा धो लेता हूँ एकदम बढ़िया आराम से, नहा धो के तंदुरुस्त होके बैठता हूँ। जिस दिन से ये जूम पे चालू हुआ है तब से लेके आज तक यही काम है अपना। तो सीखने के लिए तैयार रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, हंसना सीखिए, और हमेशा क्योंकि हंसना वो क्या कहते हैं कि सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, क्योंकि जितना आप हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे तो आप हल्के रहेंगे। क्योंकि मैं एक बात सोचता हूँ अपने ग्रेट सर का, क्योंकि जब जो है वो सब सर लोगों का है, उनसे क्या छिपाना है क्या नहीं करना अपन तो अनुमान है, अपने पर जो बोलेंगे वो ठोक देंगे गुरु जी, जो कहेंगे वो कर देंगे, बस सारी चीजें आप जानो, अपने को ये बता दो कि करना क्या है, ये कर देंगे हम तो, बस ये आता है। और वो हमारे ग्रेट सर लोग भी कुछ किताबों में पढ़ के सुना है कि 13 मसल्स का यूज होता है, जब आदमी गुस्सा करता है तो 64 मसल उसका यूज होता है, और जब आदमी मुस्कुराता रहता है तो 13 मांसपेशियों का यूज होता है। तो भाई क्यों करें अपन ज्यादा मांसपेशियों का यूज, क्यों गुस्सा करें, है अपन 13 कल से काम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। और बोला जाता है कि एक बच्चे के कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता, कभी अखबार में खबर आई कि भाई साहब 5 साल के बच्चे के प्रीतम सिंह के हार्ट अटैक हो गया, कभी भी नहीं आई, लेकिन 20, 25, 30, 40, 50 नु क्या हो गया, नु हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल क्यों हो रहा है, एग्जैक्ट कारण ये है कि किसी किताब में लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था कि जो छोटा बच्चा होता है वो दिन में 412 से 413 बार हंसता है, और जैसे ही आदमी वयस्क हो जाता है वो दिन में 4 बार से ज्यादा नहीं हंसता, मतलब के लिए हंसता है। तो शायद हो सकता है कि
कि मैं हंसूंगा तो लोग मेरे वो सीरियसनेस का ये सोचेंगे, सीरियस नहीं है। अरे सीरियस आदमी सीरियस तो अपन इंटरनल होना जरूरी है ना, और जितना हल्कापन में लोग, इसलिए तो कॉमेडी नाइट विद कपिल देखते, इसलिए तो लोग उसको 1,60,00,000 पे पहुंचा दिया। अरे नेचुरल लाइफ जिएंगे तो अपन क्यों देखें कॉमेडी नाइट। फालतू की बात करता है वो, हमारे ग्रेट सरों के साथ रहे, फालतू की बात में टाइम वेस्ट करें, नहीं करना कभी भी। एकदम मस्त रहना है, बिंदास रहना है। और पर जो ऊपर बैठा है ना, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा, और जो होगा वो तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो अपने को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का निवास भी आपने बताओ दीपावली के दिन दिए क्यों जलाए जाते हैं? क्यों दीपावली के दिन दिए इसलिए ज्यादा जलाए जाते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर पे जल्दी आए। पड़ोसी ने 64 दिए जलाए तो मैं जलाऊंगा 65, क्यों? पड़ोसी से एक ज्यादा, क्यों? लक्ष्मी आ जाए ज्यादा लाइट जलाऊंगा। वो अपन एक वो खीरा रखते हैं, वो एक कोर में लगा के उसको बोलते हैं ना, उसमें जब ऐसे लगाते हैं और उसमें घी डालते, घी डाल घी डाल घी डाल, अरे घी डाल, ये लक्ष्मी पड़ोसी के गई हुई है तो खूब डाल देती है पड़ोसी, फिर भी नहीं आ रही है तो क्या करते हैं, दीवा लगा देते हैं उसके लिए, दीवा दर्जा आ गई लक्ष्मी, आ गई लक्ष्मी, आ गई लक्ष्मी। अरे दीवा लगाने से, कोर लगाने से लक्ष्मी आती वो क्या है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है कि रोशनी का प्रतीक है। तो जिस और इंसान के जीवन में लक्ष्मी कैसे आएगी, इंसान के जीवन में लक्ष्मी जब आएगी तो वो मुस्कुराता रहेगा, खुश रहेगा, तकलीफ में नहीं दिखाई देगा, अपन एवरग्रीन रहेगा। तो ऊपर वाला देखेगा इसको दे, इसको इसको, ये सबसे तगड़ा बंदा है, तो उसके पास डाल देगा सब कुछ। और जो ऐसे बैठा है, अरे ऐसे कोई दुकानदार के पास कोई कोई सामान खरीदने जाता है? ऐसे दुकानदार के पास कोई दुकान पे सामान भी खरीदने नहीं जाते, लेकिन एक बाणिया होता है बोलता है, अरे चौधरी आजा, आजा चौधरी आजा आजा। अब उसको क्या पता उसका सुबह से धंधा नहीं चला, लेकिन वो बाणिया धंधा निकाल ले जाता है। तो मेरा तो एक ही है, हमारे मेरे को बोलते भी तू बाणिया है, बाणिया नहीं भाई, भाई साहब बाणिया वो बहुत बड़ी बात है, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं आगे पॉइंट पे चलता हूँ, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हंसना सीखना है, मतलब कहने का मतलब कि हंसते रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप बैठिए, कहियों कि भाई नहीं बोल पा रहे हो, मौन, मौन सबसे बड़ी। साधु मुनि भी बोलते हैं, कई लोग मौन में चले जाते हैं, कई लोग मौन के अंदर चले जाते हैं। तो मौन रहना कुछ ना बोलने से बढ़िया है। एक मोटा तगड़ा आदमी है, अब प्लान दिखाने गए, मैं तो कईयों को प्लान दिखाने ले जाता था, मैं बोला तू मेरे को तो कोई प्लान के लिए बुलाता नहीं है, थोड़ा सा क्या है मेरे को देख के ही अंदर नहीं घुसा था तू ऐसा कर। मोटा आदमी को मैं हमेशा दो लोगों को साथ रखता था, तू तो बस इतना कर दे एंट्री करवा दे घर में, बाद में तो मैं इनकी कर दूंगा, वो बाद के देख लूंगा। तो दो लोगों को हमेशा मेरे साथ रखता था मैं गुड़गांव में जब काम करता था। तो स्मार्ट हो, चेहरे से एकदम खूबसूरत हो, मुक्त मंदिर घुसा दो, बाद में मैं देख लूंगा। तो उस टाइम उनको बोलते मैं तुम चुप रहना बस, आगे का काम मेरा, क्योंकि वो बोलेंगे तो फिर वो दिक्कत पैदा कर देंगे। तो अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो आपको नहीं बोल, अपने गुरु जी बैठते हैं तो जब सर हो तो पूछ को ज्यादा नहीं हिलना चाहिए, अपने बैठे रहो चुपचाप, किसी चीज की टीका टिप्पणी से दूर रहे। कईयों की ऐसी आदत होती है जैसे ही सीनियर कोई बात बोलने लग जाता है, गुरु जी रुको मैं बताता हूँ आपको। अच्छा कोई, अगर कई लोग तो मेरे जैसे होते हैं जो साधारण सिंपल होते हैं वो तो मान जाते हैं, लेकिन कई कई गुरु जी ईगो ईगो होता है, अहम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु जी हैं तो ईगो और अहम का, जैसे तुमने बोला रुको फिर बाद में तुम्हारी क्लास चलेगी, तूने पूरी मीटिंग के सामने मेरे को क्यों रोका है, तूने इस रोका तो तेरी टीम भी यही डुप्लीकेट करेगी, पता है तेरे को? हम तो साधारण सिंपल से आदमी है साहब, हमको तो कोई बोल देता है फिर कोई कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, सरल बनना है, सिंपल बनना है, क्यों कभी तुम गुरु बन जाओ कभी उसको गुरु बना दो, यहाँ कोई गुरु परंपरा थोड़ी ना चालू हो रही है, अपने को काम निकालना है। अग्रवाल साहब के कहने, चाहे तू रिपोर्टिंग दे दे, नहीं देगा तो हम तो नीचे से ले लेंगे, तू नहीं देगा रिपोर्टिंग, हमें तो रिपोर्ट पेश करनी है हमारे ग्रेट सर के पास में, ये हम कोई नौकरी थोड़ी ना कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें रिपोर्ट लेनी है, तू मत दे नीचे से ले लेंगे। तो किसी भी छोटी बात हल्की बात कभी जीवन में नहीं करना है, कभी नहीं बन। अपने ग्रेट सर जहाँ पे भी बैठे, जिस दिन से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया है तब से लेके आज तक की बात बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे हमारे ग्रेट मेंटर्स बैठे हैं सबसे पहले गुरु जी आप बोलो सारी बातें, जब मेरा बोलेंगे हाँ श्याम जी आप बोलिए तभी मैं बोलूंगा, उससे पहले कुछ नहीं बोलना। तो कभी भी बीच में ना हल्की बातें बोलना है, ना बीच में काटना है,
कि आपको ध्यान रखना है, आपको सीनियर को भी संभाल के रखना है, आपको जूनियर का भी ईगो संभाल के रखना है भाई। ये गेम बहुत तगड़ा है, बहुत ऊपर जाना है, बहुत ग्राउंड नहीं लाखों करोड़ों की टीम बनानी है, तो ऊपर वाले भी साथ रहने चाहिए और नीचे वाले भी साथ रहने चाहिए, दोनों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे भी है जो भी है सबको साथ सबका विकास, ये हमारे ग्रेट सर सुनहरी लाल सर बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो किसी की टीका टिप्पणी नहीं करना और आगे चलते हैं। जब क्रॉस लाइन की जगह हो तो क्या करना है, क्रॉस लाइन बिजनेस का वह हिस्सा है जिसके फायदे भी हैं और घाटे भी। मेरे को तो जहां तक है मेरे को तो क्या है सब चीजें फायदे फायदे की दिखाई देती है, घाटे की तो दिखाई नहीं देती। और एग्जैक्टली क्या है, ये लीडर का सेल्फ विवेक भी काम करता है, आपका हर समय पे आपका, क्योंकि जो लोग घूम जाते हैं, अरे अपने घर में अपना बापू है, दारू पीता है, कैसा भी हो कुछ भी हो, मेरे पास मौका है ना बड़ा करने का। आज विराट कोहली के पास मौका था है, उसके बापू ने नहीं किया तो तू करके दिखा है। अरस्तु के पास काबिलियत नहीं थी, सिकंदर बना दिया है। और साइना नेहवाल के पास काबिलियत, वो क्या नाम है उसका, पुलेला गोपीचंद ने वो जो दूसरे नंबर पे गोल्ड मेडल जीती थी, इसने क्या नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, उसको ओलंपिक में गोल्ड, खुद ने तो कभी गोल्ड नहीं जीता लेकिन उसको ओलंपिक में वो सिल्वर मेडल जिता दिया, खुद ने तो कई गुरुओं ने गोल्ड नहीं जीता, उनको तो विश्व विजेता बना दिया। तो आपको आपका विवेक काम करता है, नहीं मेरा सीनियर तो है ना मेरी मदद नहीं करता, मेरे सीनियर में कुछ तो बात है उसके सीनियर में, अरे कंपनी एक सिस्टम एक अपलाइन एक प्रोडक्ट एक, बात सीनियर से फर्क नहीं पड़ता, बात तेरी दमदारी से फर्क पड़ता है। उस जैसे हमारे ग्रेट सर ने बोला था देवेंद्र शर्मा जी ने, दिक्कत कहाँ है, एक अंगुली अगर मैं किसी की तरफ करता हूं तो टीम देखो किसकी तरफ है, टीम मेरी तरफ है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो खुद देखा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। तो इस धरती पे आप अपने आप पे काम करो, जब भी किसी दूसरे के ऊपर ध्यान देना हो सबसे पहले आप अपने अंदर जाके देखिए सिस्टम है अपना, जो भी सेफसॉक कंपनी तो है ना, तू दमदारी दिखा के खींचते मीटर को ताड़ दे, क्या दिक्कत फर्क पड़ रही है, यहाँ कोई वो आरक्षण थोड़ी ना चल रहा है, यहाँ वो 8 स्टेप जो कोर स्टेप वो जो तेरे को पता चल रहा है, जो प्रतियोगिता जो अपनी प्रगति सूत्र किताब है, उस प्रगति सूत्र किताब में हमारे ग्रेट सर लोगों ने सारी बात बोल दी, सारी चीज लिख दी। अब तू इसको जितना ज्यादा घुमाएगा तेरा नेटवर्क उतना तेज चलेगा, कईयों का 24 घंटे इसी बात में जाता है, मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरी डाउनलाइन ठीक, शायद मेरे अपलाइन में कोई दम, मेरे डाउनलाइन, अरे भाई अपलाइन भी ठीक है, डाउनलाइन भी ठीक है, क्रॉस लाइन भी ठीक है, अपने आप को ठीक कर। क्रॉस लाइन हमारे चचेरे भाई की तरह होती है, चचेरे भाई की तरह, चाचा का लड़का, ये भी ध्यान रखना, चाचा का लड़का सबसे ज्यादा ज्वेलसी भी करता है, मेरा चाचा का लड़का है सबसे ज्यादा ज्वेलसी करता है, मेरे को जैसे ही देखेगा पक जाएगा और थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा देखेगा, ऐसे करके देखेगा यार ये कैसे पैसा कमा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। लेकिन अपन तो वही साधारण सिंपल आदमी ही है, और सिंपल सी बात है अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं, तू मेरे इतना भी ध्यान नहीं क्योंकि इतना टाइम है कहीं कि उसके बारे में सोचूं कि तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अगर वो भी मैं ही सोचूंगा तो फिर वो क्या सोचेगा है भाई। 24 घंटे भगवान ने दिए अपने को, इन 24 घंटों का यूज परमपिता परमेश्वर सबको देता है, फालतू के चक्रों में क्यों पड़ना। क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार बड़ा सरल होना चाहिए, एक प्यार भरी मुस्कान, जानदार कैसे हो और तुरंत चलो फिर मिलते हैं, हेलो हाय एंड बाय। अब सर हमारी पूरी जो टीम है, मैं तो अपने एग्जांपल दूंगा, मैं तो जब ग्रेट सर का पवन सर का 4 लाख का चेक बन रहा था तो हमारी तरफ से हमने 4 बजे पूरा कर दिया, हाथ झाड़ दिए सर हमारी तरफ से कम। अब मैं मेरे को चिंता किस बात की हो रही, सर बोल रहे यार 8,000 उधर से कम रह रही है, वो कभी फोन मिलाता हूँ, मैंने फोन मिलाया सरजीत जी क्या चल रहा है, सरजीत जी तो लगे हुए थे बेचारे, अकेले लग रहे थे सरजीत जी, मैंने रणजीत सिंह जादव उनको फोन मिलाया, वो क्या कर रहा है तू, सर सो रहा हूँ, खड़ा हो सो रहा है, वो 8,000 बिजनेस वॉल्यूम कम रह रही है भाई, जल्दी से जाके लग जा और सर का पूरा करवा सेटअप खींच के मीटर को, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। तो ग्रेट सर ये वाली कहानी है, अपन तो आगे चलते हैं। तो क्रॉस लाइनिंग कुछ भी नहीं होती है, सब अपना गेम है, और जो है मैं तो सच बता रहा हूँ ग्रेट सर,
मेरे को कोई बंदा मेरी टीम में भी अगर मेरे मेरे कई लोग तो मेरी टीम के वो मेरे ही को मेरे ही भाई की मेरा भाई है त्रिलोक सिंह, उसने बेचारे ने काम चालू किया बोधी ने, वो बहनों में किसी गेस्ट को लेके गया, मेरी टीम के दूसरे लोगों ने उसी को सेटिंग कर कुरा के तोड़ ताड़ के ज्वाइन करवा लिया, वो बोल रहे यार क्या सिस्टम है यार ये तुम्हारा है? मैं बोला भाई कीवर एटीट्यूड रख, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ताकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, जिसको तोड़ के ले जा रहा है वो भी काम नहीं करता, आज तक नहीं कर रहा काम, ले जा मुझे भाई कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मेरे को पता लगा कई इतने समझदार और ज्ञानचंद होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ सर, बड़े बड़े लेवल के लीडरों का कॉल मेरे पास आया, लेकिन मैंने एक ही बात बोला, हम अनुमान है, जब तक कोई बात नीचे नीचे कभी नहीं किया, नीचे नीचे कई नीचे, अरे नेटवर्किंग में नीचे नीचे कुछ नहीं होता, हमारे ग्रेट सर बोल रहे थे पानी में चाहे कितना ही नीचे जाके कुछ भी कर ले, बुल बल्ला तो ऊपर डायरेक्ट दिल से।
अप्लाइंग टिका टिप्पणी से दूर रहे, उसकी बात को कभी भी काटना नहीं है, जो अपन ने पहले बात करी कभी नहीं काटना, जहां सर बैठे हो तो पूंछ को नहीं हिलना है, कभी नहीं काटना। दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अपलाइन की टीका टिप्पणी आपको स्वीकार ही नहीं होनी चाहिए। दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई आपकी अपलाइन की बुराई भी करता है तो आपको ये बोलना है कि वो मेरे गॉड फादर है और उन्हीं के सानिध्य में मेरा काम बनेगा, वही हमारे ग्रेट मेंटर है। अपने बापू की बुराई यदि आप बाहर करते हुए घूमोगे और बाहर वाले सुनेंगे तो वही वाली बात है, तुम्हारे घर में विघटन पैदा होगा। अपनी घर की बुराई बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अगर आपको अपलाइन द्वारा की गई बात रास नहीं है तो उसका स्पष्टीकरण आप अपलाइन से मांगे, किसी और से नहीं। हाँ, ये भी कई करते हैं, सर ने ये बात बोली अब मेरे को कोई बात समझ में नहीं आई। जैसे देव सर ने मेरे को बोला कि भाई 2 लाख का कैंपिंग का जब प्लान किया था कि 2 लाख का आप वो बढ़ाओ, लिखा करो, विजुलाइज करो, तो मेरे को कोई बात सर ने बोला तो मैंने सर से फोन करके पूछ लिया, सर जब जहाँ 2 लाख का कर सकते हैं वहाँ 4 लाख का भी तो कर सकते हैं, सर यहाँ पे बैठे, मैंने पूछा। तो जिन्होंने जो बात आपसे बोली है आप उनसे ही स्पष्टीकरण मांग लीजिए ना, ये कि नहीं है। हमारे ग्रेट सर अग्रवाल साहब ने हमारे ने बोला कि शाम फोन करके तेरे को कैपिंग बनानी है। अब मेरी जो सिचुएशन है सर को, मैंने बोला सर मेरे 50,000 का चेक बन गया, बाकी का 1.5 लाख का बाकी, बताओ कैसे करें। तो एग्जैक्टली क्या है कि बार बार बातें ना करें, कहीं डाउनलाइन में चर्चा करने लग जाते हैं, भाई ये स्टॉक के लिए बोल रहे हैं है ना, ये गलत बात है, ये सही नहीं है, इसके ऊपर तो क्रांति होनी चाहिए फलाने। अरे क्रांति कुछ नहीं होगी, तेरे नीचे बम लगा देंगे, तेरी क्रांति बढ़ा देंगे। वो कहाँ बात करनी है, अरे कहाँ बात नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान रख के बात करनी है। और ये नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग है, और इसमें एक छोटा बच्चा जो आपके पीछे चल रहा है, कई वो कालिदास होते हैं जिसी डाली पे बैठे उसी को काटते रहते हैं। अरे कालिदास तेरे भी नंबर आएगा फिर नीचे गिरेगा, तो ध्यान रखना है ये। दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अपलाइन का टिका टिप्पणी, अगर आपको अपलाइन द्वारा की गई बात रास नहीं है तो उसका आप अपलाइन से मांगे, किसी और से नहीं। आपकी सम्मान की भावना दिखनी चाहिए एवरी टाइम, बैठने का पोस्चर, बात करने का पोस्चर, ये सारे पोस्चर। आप फोन पे भी बात करें तो भी आपका अपलाइन को लगना चाहिए। आपको बिना हिचक के फोन करें तो कईयों को तो मन नहीं करता, इसको फोन ही नहीं कर, इससे रिपोर्ट मांगूंगा तो इसका तो वही एटीट्यूड, क्यों वो सोचे। मैं अभी भी बता रहा हूँ श्याम, सुनेली जी का और ग्रेवाल जी का फोन ना मैं बैठ के अटेंड नहीं कर पाता हूँ, जैसे जैसे ही इनका फोन आ जाए खड़ा हो जाता हूँ, पता नहीं क्या बात है। तो बहुत बढ़िया ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यवहार से यह साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता आपकी अपनी नहीं बल्कि उस सीख की है जो अपने अपलाइन से मिली है। बहुत बड़ी बात है अपने अपलाइन से। मैं अपन क्या थे, मैं तो एक, मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, 1100 रुपए का MTS का मोबाइल, वो भी अपने ग्रेट सर योगेश सर ने दिया था कि प्राणी से बात हो जाए संपर्क करने के लिए, 1100 रुपए का MTS का मोबाइल दिया था मेरे को, तो उस मोबाइल से संपर्क करने की तो मेरी औकात तो वो थी। आज BMW मैं ले ली, आज मान लो मैं 4 लाख की कैंपिंग पे हूँ तो बराबर गद्दी पे बैठने लग जाऊं तो क्या मैं बराबर बन गया ना, मेरी औकात बढ़ाई है मेरे सीनियरों ने, मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ मेरे सीनियर की वजह से पहुंचा हूँ। ये लाइफ टाइम जिंदगी भर हमेशा लाइफ में मेरे को याद रखनी है, मैं तो हमेशा याद रखूंगा और लाइफ टाइम मरते दम तक मैं ऐसा ही बना रहूंगा। ग्रेट सर जब भी कोई बात हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, बिंदास बेहिचक आप फोन करके बोल देना श्याम यहाँ गलत है, वहीं पे अपन तो तुरंत तुरंत एक्शन लेने वाले आदमी। ग्रेट सर यहाँ मैं एक बात जोड़ूंगा कि बस ग्रेटिट्यूड को बोले ना, ग्रेटिट्यूड को फील भी करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड को बोलने से एक्चुअली वो शक्तियां जो है ब्रह्मांड की वो आपके साथ काम नहीं करती है। ग्रेटिट्यूड को फील करने से अंदर से वो शक्तियां काम करती हैं। आप चाहे रोंडरा ब्राउन की किताब पढ़ लो, वो सिर्फ एक ही बात बताती है कि इसको मुंह से बखान करने से काम नहीं होगा, इसको दिल से मानने से काम होगा। बहुत बढ़िया ग्रेट सर, तो आपके व्यवहार से साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं अपन। एडुकेशन अपलाइन का कैसे करें, एडुकेशन अपलाइन को कैसे करें, यही तरह। हाँ, जब तक आपकी अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है तब तक उनसे ही परामर्श करें। अपवाद की स्थिति में ही किसी और अपलाइन से संपर्क करें, कि जब तक आपकी अपलाइन से सारी चीजें बन रही हैं तो फालतू जगह जाने की जरूरत क्या है, फालतू डिस्कशन की। लेकिन आपकी ऐसी सिचुएशन आती है, इसलिए बोला जाता है कई लोग क्या अपने तक
अपनी डाउनलाइन को अपने तक सीमित रखते हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो डाउनलाइन आपसे विवाद की स्थिति में आ जाए और जो उसका पोटेंशियल है, जो उसका इंटरनल पोटेंशियल बाहर नहीं निकल के आ पाता है, इसलिए 2-3-4-5 अपलाइन जो भी है उनसे यदि आप अपनी डाउनलाइन को संपर्क में रखवा सकते हो तो मरने के चांस टीम के कम हो जाते हैं और घुटने के चांस टीम के कम हो जाते हैं और ज्यादा चांस डेवलपमेंट होने के हो जाते हैं। लाइव एग्जाम्पल हजारों है आपके सिस्टम में जिनको एक छोटे से लेवल से उठा के बड़े लेवल पे पहुंचाया गया है। और नियमित रिपोर्टिंग करते रहें और नियमित यदि आप MCR का अगर फॉलो करते रहेंगे, नियमित रिपोर्टिंग करते रहेंगे अपने अपलाइन को, तो रियल में बड़ा काम होता है, 100% बड़ा काम होता है। क्लैरिटी रहती है अपलाइन के सामने कि बंदे का काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। नियमित रिपोर्टिंग करनी है अपलाइन से कदम मिलाकर काम करें, अपने अपलाइन के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते रहें, जैसा अपलाइन बोले वैसा करते रहें। अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस नहीं रही है तो सही कारण की तलाश करें। यदि आप अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस नहीं रही है, रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही, रुक अगर आपके अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रुक नहीं रही है तो सही कारण की तलाश करें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपलाइन को अपने बिजनेस में रुक लेने के लिए मजबूर करें। बहुत ही जबरदस्त गजब का पॉइंट लिखा है सर ने कि कई लोग तो अपलाइन की जड़ें काटने के चक्रों में रहते हैं कि जल्दी से मेरा नंबर आ जाए, जल्दी से मेरा नंबर आ जाए, जल्दी से मेरा नंबर आ जाए। भाई अपलाइन को बड़ा ये लाइन ऐसे है कि अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इंटरेस्ट है अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो सही कारण की तलाश करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपलाइन को बिजनेस में इंटरेस्ट लेने के लिए मजबूर करें या उनको आग्रह करें कि सर क्या बात हो रही है ऐसी, या क्या मेरे से गड़बड़ हो रही है, या क्या मेरी गलती है, आप मेरे को एक बार अवगत कराएं और मुझे आपका साथ चाहिएगा हमेशा। इस तरीके से उनका सेटिंग करें और एडिफिकेशन करें बनाएं, या तो कहीं ना कहीं आपके अपलाइन के एडिफिकेशन में कमी होगी, आपकी डाउनलाइन में आपने कुछ हल्की बात करी होगी, कुछ उल्टा बोला होगा, उनके लिए सम्मानजनक स्थितियां पैदा नहीं करी होंगी नेटवर्क में आने के लिए, तभी वो रस लेना बंद करेगा, इंटरेस्ट लेना बंद करेगा। तो ये बहुत बढ़िया। और वो लाइन भी बोलते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, ये वाली लाइन को याद रखे तो जबरदस्त काम हो जाएगा। ग्रेट सर, अपलाइन को खुली तरह से लोगों के बीच ललकारना आपके बिजनेस की सबसे बड़ी हार है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये तो 10 लाइक ऐसे हो गया कि आपके परिवार में, घर में, आपकी मैडम के सामने आप अपने बापू को कुछ बोल रहे हो, लास्ट में क्या होगा, तेरी भी बारी आएगी। यदि आपने अपने घर में अपने सीनियर का रेस्पेक्ट कम किया है तो 10 लाइक ऐसे है जिसकी वजह से आज की डेट में घर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, परिवार खत्म हो रहे हैं। आज आप अखबार में हर दूसरी तीसरी खबर आप देखना सुसाइड अटेम्प्ट और रेप के केसेस आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण घर में जो विघटन पैदा हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलिया बन रही है, उसका कारण यही है कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। और घर में एक्सपीरियंस होल्डर आदमी और बड़ा आदमी अगर घर में नहीं है तो भाई नए लोग फिर सरकार चलाएंगे, और नए लोग कैसे चलाएंगे, वो तो चलानी जैसे है वैसे ही चलाएंगे। जैसे कि महाभारत में हुआ था, जब जब धर्म के जानकारों ने क्या नाम है अपने आंख पे पट्टी बंद की, तब तब अधर्म हावी हुआ है। तो मेन बात ग्रेवाल सर एक बात भी बोलते हैं हमेशा कि अपलाइन तो बाली होता है, तो हमेशा कभी भी अपने मुंह के शब्द में एक बात जोड़ लें कि अपलाइन को छोड़ के मैं बेस्ट करूंगा, मेरी सारी अपलाइनों को छोड़ के मैं बेस्ट करूंगा। ऐसे बोले, ऐसे ना बोले देखना मैं अब की बार सबसे बढ़िया काम करूंगा। यानी आपने क्या बोल दिया, सबसे बढ़िया काम करने में आपने अपलाइनों को भी शामिल कर लिया, बोला उनसे भी बढ़िया करके दिखा दूंगा। नहीं कर सकते, क्योंकि अपलाइन बाली, बाली की क्या शक्ति थी, बाली की शक्ति थी कि जब बाली किसी के सामने बैठ जाता था तो आधी शक्ति खिंच के उसकी बाली के पास आ जाती थी। यानी सामने वाला 250 ग्राम रह जाता था, बाली 75% हो जाता था, तो कैसे जीत सकते हो उससे। और ये शिव मुनि से प्राप्त था उसको, एक वरदान था उसको ये कि जैसे ही तू लड़ने किसी के सामने जाएगा, सामने वाला आदमी शक्तिहीन हो जाएगा और उसकी आधी शक्ति तेरे में आ जाएगी। तो अपलाइन भी बाली की तरह होता है, अपलाइन को ललकारना, अपलाइन के लिए आप सब तो बोलना या उल्टी बातें करना कभी भी आपके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है। तो हमेशा एक वर्ड बोलें कि मैं हमेशा बेस्ट करूंगा, अपने सारे अपलाइनों को छोड़ के मैं नंबर बनाऊंगा, बड़ा चेक बनाऊंगा, ये करूंगा। इस तरीके से बोलना जरूर जारी रखें जिससे लोग आपकी भी ध्यान दें और आपको भी आगे बोलने से पहले छोड़ें।
नहीं तो ग्रेट सर क्या होगा जी, तू भी किसी, अगर तू किसी को निशाने पे पढ़ा रहा है तो तू भी किसी के निशाने पे है जी। सिंपल सी बात है ये, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है और भावनाएं ट्रांसफर हो जा हो ही जाती है, पूरी भावनाएं ट्रांसफर होती है ग्रेट सर। बहुत बढ़िया, याद रखिए हो सकता है कि आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन है, लेकिन इस स्थिति में भी वह आपको एक अनमोल पाठ पढ़ा जाती है, वह पाठ है आप अपने डाउनलाइन के साथ इस तरह पेश ना आए। बहुत ही जबरदस्त बात बोली है ग्रेट सर। और जस्ट लाइक ऐसे ही है कि अपने घर में यदि अपना बापू अगर मान लो शराब पीता है तो अपन अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस करेंगे? अपन एडवाइस करेंगे कि जो मेरे बापू ने नहीं किया घर में है, मैं अपने मेरे बापू ने मेरे को नहीं पढ़ाया। कईयों की हालत क्या होती है, बापू के पीछे पड़े रहते हैं, मेरे बाप ने मेरे को लिए जमीन नहीं करी, मेरे बाप भी अगर कर देता तो मैं भी ये बन जाता, ये भी बन जाता। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है कि जो क्या नाम है, ये सीख लेता है कि जो मेरे फादर से गलती हुई है वो मैं गलती नहीं करूंगा और आगे इसको रिपीट नहीं करूंगा और बड़ा काम करके दिखाऊंगा। ये वाली बात है, डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन, हमेशा अपने डाउनलाइन की प्रशंसा कीजिए, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को नवाजे, याद कीजिए जब उनकी स्थिति में थे तो ऐसी प्रशंसा के लिए कैसे तरसते थे। बहुत ही जबरदस्त गजब की बात है, क्योंकि आदमी बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि छोटा बच्चा रोता है सम्मान के लिए और बड़े बुजुर्ग मरते हैं सम्मान के लिए। और सम्मान दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, यदि आपको अपने काम करवाना है अपनी टीम से तो हमारे ग्रेट सर भी बोलते हैं, उनको प्रोत्साहन दिए। जब भी सर लोग हमारे पास फोन करेंगे एक ही बात बोलेंगे, वेल डन टाइगर, कांग्रेचुलेशन, आपको टारगेट बताया जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई हो, अभी जीता नहीं है लेकिन पहले से वेल डन कर दिया। तो उससे प्रशंसा जैसे ही करती तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल सातवें आसमान पे बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, प्रशंसा करना बहुत मतलब की अच्छी बात है। अपने ग्रुप का उत्साह बना के रखिए, अपने ग्रुप का मोटिवेशन बना के रखिए। वो कैसे बनेगा, सेल्फ मोटिवेट रहोगे, सेल्फ मोटिवेशन में रहोगे, सेल्फ एक्साइटेड रहोगे तो आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी। आप हमेशा 24 घंटे चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हमेशा के जो बॉडी से वाइब्रेशन निकलनी चाहिए तो वो आपकी टीम में तुरंत प्रसारित हो जाएगी। जैसे हमारे ग्रेट सर बोलते हैं कि नजरिया क्या है, अच्छा हो चाहे बुरा हो फैलता है, तो मोटिवेशन जो है वो भी फैलता है। अगर किसी खलती हुई बात को सुधारना हो तो उसे अकेले में उस डाउनलाइन के साथ अकेले में बैठ लीजिए। जाता है कि जब भी कभी मेरे बारे में आपको मेरी देखे, आप मेरे को मेरी सहेलियों के बीच में और मेरे ससुराल या पियर वालों के बीच में नहीं टोकेंगे, जब भी अगर मेरी गलती तो मुझे टोकेंगे तो अलग कमरे में लेंगे और मैं फिर आपकी बातों को भी और आगे से उसका ध्यान। तो यही कहानी अपने टीम की होती है, आपको जो कुछ समझा तो उसको अकेले में समझा दो, भरी टीम के सामने यदि आप समझाओगे तो वो हो सकता है कि आपको छोड़ के भी चला जाए। अपने ग्रुप का उत्साह बना के रखिए, अगर किसी ये हो गए, सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करें, सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करें, इन चीजों को अपनी ईमानदारी से हासिल कीजिए। बहुत बढ़िया जबरदस्त बात है कि रेस्पेक्ट मांगने, मेरे को गुरु जी बोल भाई, तू मेरे को गुरु जी नहीं बोल रहा ना तो आज के बाद तेरी फॉलो अप नहीं करूंगा, आज के बाद तेरी मीटिंग नहीं करूंगा। अरे गुरुजी बोलने से नहीं मना बन रहा है, बापू के चरण छुए अपने घर में, ये बापू की चॉइस नहीं है, ये बेटे की चॉइस है। और जस्ट लाइक हमारे इस बिजनेस में भी ये आपकी चॉइस नहीं है कि आपका सम्मान हो, इस ये अपनी टीम की है कि आप कुछ ऐसा वर्क करो, ऐसा अनकंडीशनली काम करके दिखाओ, 24 घंटे उसके लिए तैयार रहो, तो स्वाभाविक सी बात कहने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही सम्मान दिल से आएगा। उसके चेक बनवाने में, उसका टारगेट फाइट करवाने में, उसके प्लान करने में, उसके फॉलोअप करने में, उसके इन्विटेशन करने में, सहयोग करने में, उसका फोन आए तब उठा लो, ये सारे बेसिक काम करोगे तो आपका रेस्पेक्ट अपने आप कर लेने लग जाएगा। अच्छे संस्कार का बीज रोपण कीजिए, अच्छे संस्कार डालिए अपनी टीम में। जस्ट लाइक एक परिवार को, जैसे आप एक बच्चे को पाल के बड़ा करते हो ना, ऐसे ही एक टीम होती है, एक नेटवर्क होता है। जैसा आज आप बोओगे कल को आपको भी काटना पड़ेगा वही सारी चीजें। जैसे एक पेड़ को बोया जाता है खाद पानी की जब जरूरत होती है, और जब बाढ़ की जरूरत होती है, बकरी खा जाएगी उस टाइम की जरूरत होती है, अपने जानवरों से बचाना होता है, ये सारे काम जैसे एक पेड़ को अपन डेवलप करने के लिए करते हैं, ऐसे ही अपनी टीम को डेवलप करने के लिए करने पड़ते हैं, अपनी डाउनलाइन को डेवलप करने के लिए करने पड़ते हैं। तो बीज ऐसे ही वटवृक्ष का रूप ले लेता है। जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो उनकी तरफ जरूर करें। जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट
जो अच्छे संस्कारों का बीजारोपण है ना, इस बात में मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा कि मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का जो झुकाव था वो हमेशा वेजिटेरियन की तरफ, वेजिटेरियन रहने की तरफ, अध्यात्म की तरफ, और कभी भी एल्कोहल का ना यूज करने की तरफ रहा। और काफी सारे लोग उनके नेटवर्क में आए, लेकिन धीरे 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 आज का जो डेवलपमेंट है वो ये है, पूरी सेफ शॉप की सबसे बड़ी वेजिटेरियन, नॉन एल्कोहलिक जो ना दारू पीने वाले, और दुनिया में अच्छे संस्कारों से और अध्यात्म से जुड़ी हुई अगर कोई पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की टीम है तो वो नरसिंह ग्रेवाल जी के पास है, क्योंकि एक आदमी के संस्कारों का डुप्लीकेशन बहुत तेजी से होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ना कि सेफ शॉप की, सबसे बढ़िया वेजिटेबल, वेजिटेरियन और नॉन एल्कोहलिक और अच्छे मतलब आध्यात्मिक संस्कारों को लिए हुए अगर कोई टीम है तो वो नरसिंह ग्रेवाल जी की। इसलिए बोला जाता है कि जो भोग है वही काटो। और काफी सारी दूसरी कंपनियों में और जगह हम देखते हैं कि दारू पार्टियां चलती हैं, दारू के बाद नाटकबाजियां होती हैं, फिर उसका नेटवर्क खराब होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है और सर के लिए हमको एक जोरदार ताली बजानी चाहिए, उन्होंने हमको ऐसे संस्कार दिया। बहुत बढ़िया सर, डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन आपके बिजनेस का अविभाज्य अंग है, इसे बहुत अच्छे से निभाइए। तो डाउनलाइन का भी क्या है कि आइडेंटिफिकेशन, कोई अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोगों को यदि आपको नेटवर्क में रोक के रखना है तो अच्छे, जैसे कोई बड़े आईपीएस टाइप के लोग भी, बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग भी आते हैं अपने साथ ज्वाइन करते हैं, और एक अच्छे रेस्पेक्टेड लोग भी अपने बिजनेस में आते हैं तो उनका रेस्पेक्ट, जैसे कि हमारे ग्रेट सर बोलते हैं कि कभी गुरु तुम बन जाओ, कभी गुरु उसको बना लो, अपने काम चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेटवर्किंग और नोटवर्किंग, मुझे क्या करना है, लोग क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, क्या मेरे पास अभी भी वह कारण है जिसके आधार पर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। बहुत बढ़िया। अब अपने पास जो जिस कारण की वजह से, जिस रीजन की वजह से मैंने इस बिजनेस को चालू किया था, तो वो क्या मेरे पास कारण है, पर्पज है, क्या उद्देश्य है? तो मेरा पर्पज एक ही था, मेरा उद्देश्य एक ही था कि मेरे को कुछ इस तरह का काम, क्योंकि परोपकारिता की भावना शुरुआत से मेरे अंदर थी, लोगों का भला करने की, भलाई करने की भावना ऐसा नहीं है, पहले से थी। लोगों के जब तकलीफ में दिल देखता था तो दर्द मेरे दिल में पहले भी उठता था, तो वो मेरी भावना है, शुरुआत में भी थी, वो आज भी है। अगर नेटवर्क में किसी के चेक नहीं बन रहे, अगर नेटवर्क में किसी की ग्रोथ नहीं आ रही, बहुत दिनों से लड़के काम कर रहे हैं उनके पास चेक नहीं आ रहे, कोई तकलीफ आ रही है, तो वो उद्देश्य मेरा शुरुआत में भी था, आज भी है, तो वो उद्देश्य मैं भूला नहीं हूँ। तो हर आदमी को अपना उद्देश्य को याद रखना है कि मैं इसमें क्यों आया था और किस वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और वो उद्देश्य ही आपको करोड़ों की टीम बनवा के दे देगा। क्या मेरे पास उन लोगों की सूची है जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, इनविटेशन करना चाहता हूँ, क्या मेरे पास उनकी सूची है? सूची है भाई साहब, मैं तो 24 घंटे सूची बनाता रहता हूँ मेरे इनविटेशन की, तो हर शाम को हर जब भी टाइमिंग मिलता है तो इनविटेशन करना मेरा जारी रहता है। तो आप भी इनविटेशन की सूची जो अपनी शुभारंभ अपने पास रखें, रेगुलर अपने पास शुभारंभ रहनी चाहिए, रेगुलर आप उसमें अपने जो शाम को प्लान होना है इनविटेशन करते रहें। क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार सम्मानपूर्वक है? क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार, कई लोग जैसे गेस्ट आ गए, कई लोग गेस्ट नहीं आए आपके वेन्यू पे, या आपने इन्विटेशन किया वो नहीं पहुँच पाए, तो आप उनके साथ व्यवहार के साथ और लोक व्यवहार का पालन करें उनके साथ। बोले कोई बात नहीं सर, अभी आपका हो सकता है बिजी शेड्यूल था, बिजी आप थे, इस वजह से आप क्या नाम जुड़ नहीं पाए, नेक्स्ट डे जब भी आप हमारा प्लान होगा, नेक्स्ट डे जब भी हमारा प्रोग्राम होगा, तो मैं आपको पहले से इनवाइट कर देता हूं। जैसे किसी ने मना कर दिया तो आप उसको भला बुरा नहीं बोले। क्या मैं अकेला ही फॉलो अप करता हूं या फिर अपलाइन के साथ करता हूं? अब इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऑनलाइन में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना, बहुत गजब की थर्ड पार्टी से काम बहुत तगड़ा निकलता है, गजब का निकलता है। मैं तो कोई बंदा मेरे को फॉलो अप करने के लिए बुलाता है तो जैसे इतना तगड़ा, कोई बंदा मंडी का है तो मेरे को बोला मंडी का बंदा है, तुरंत फोन करके मुझे एक सेकंड में इतना आसान हो गया है, मंडी के बंदे फोन करूंगा रोशन जी को, रोशन जी तुरंत हाजिर हो जाए, एक लिंक भेजा रोशन जी हाजिर, मंडी वाले बंदे को मंडी वाले से मिला दिया, हो गया काम अपना। भाई मैं कोई सर्व ज्ञाता थोड़ी ना हूं, मैं कोई, अभी एक बंदा था कल की बात कर रहा हूँ, एक का नाम था नीलेश रावत, लड़कों ने मेरे को फॉलो अप करने के लिए बुलाया, नीलेश रावत तुरंत बोला।
दीपक रावत ये लिंक ले, तुरंत जाके इस लिंक पे जुड़ जा, नीलेश रावत को क्या नाम है दीपक रावत से मिला दिया, तुम साइड में बैठ जाओ। इतना इजी कॉन्सेप्ट और इतना इजी सिस्टम हो गया है। सारी चीजें अपने से प्रभावित नहीं होते, कॉमन रेपो से प्रभावित होते हैं ज्यादातर लोग। कॉमन जब लोगों को मिलते हैं, नहीं आप चेक उनको 10 लाख का दिखा देना, लेकिन कॉमन रेपो जितनी, क्योंकि ये सिस्टम की पार्ट है। और जब लोगों के पास चेक नहीं आ रहे थे, तभी इन्हीं चीजों का यूज करके लोगों ने अपने को यहाँ तक पहुंचाया है। तो ये है, लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोगों के पास पर्याप्त कारण का अभाव है, जिसके चलते वे नेटवर्किंग की परिकल्पना की अवहेलना करते हैं। तो किसी के पास पर्पज नहीं होता है, कारण ही नहीं होता है, जिसके कारण नेटवर्किंग करते हैं। तो थोड़ा इसको समझा देना आप देव सर। मैं क्या बता रहा हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है कि एक नंबर, क्या मेरे पास अभी भी कारण है कि जिसके आधार पर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। फिर उसके सामने लिखी है कि लोगों के पास पर्याप्त कारण का अभाव है, जिसके चलते हुए नेटवर्क की परिकल्पना का अवहेलना करते हैं। कारण ही नहीं होगा, आमने सामने पढ़ना है इसको। तो जब अगर कारण ही नहीं होगा किसी के पास, तो क्यों आदमी लिस्ट बनाएगा, क्यों आदमी इन्विटेशन करेगा, क्यों किसी को बुलाएगा, क्यों किसी अपलाइन की बात मानेगा। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो अपलाइन की बात ही नहीं मानते, या वो सुबह लिंक पे ही नहीं जुड़ते पटके। कई लोग आज लिंक पे ही नहीं जुड़े होंगे, आप खुद ही देखना अपने नेटवर्क में। अब जिसको कारण ही नहीं है जीवन में कुछ करने का, वो क्यों 6 बजे उठेगा, फिर ये लिंक को जोड़ेगा, फिर ये करेगा। अच्छा, ये जो हमारे लोग हैं जो पैनल पे आज भरे पड़े हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके पास एक जेन्युइन कारण है, जिसलिए आज आपने 6 बजे उठ के इस लिंक को क्लिक किया है भाई साहब। नहीं तो ऐसे ही नहीं करते आप, ऐसे ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों को लिख दिया गया था, लेकिन उन्होंने जुड़े नहीं है। तो इस बात को समझने की कारण जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। मुझे क्या करना है, लोग क्या करते हैं, क्या मैं लोगों के डीडी को खुद से भेजता हूँ, ये है। और उनके पास ये सब कोने के कानने के करने के लिए समय नहीं होता, करने के लिए समय नहीं होता, गलत करने के लिए समय नहीं होता है। क्या मैं लोगों के डीडी को खुद भेजता हूँ, या उनके लोग क्या करते हैं, उनके पास ये काम करने का, भाई अपना काम ही क्या है, अपना काम क्या है, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, डीडी भेजना, अपना काम कोई ये थोड़ी ना है कि सुबह उठ के अपने को जिम पे जाके एक्सरसाइज करना है। नरसी ग्रेवाल सर को मैंने शुरू से देखा श्याम जी, और मैंने उनसे एक बात बहुत अच्छी ऑब्जर्व की, जो कि मैंने भी बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाई शुरुआत में, कि नरसी ग्रेवाल सर ने हमेशा कोई भी काम अपने जरिए से ना 1, 2 या 3 बार किया, बस 4th, 5th, 6th, 8th, 10th, 12th, 15th, 20th, 50th कभी नहीं किया। जैसे कोई भी व्यक्ति उनके साथ आया, तो एक बार उन्होंने खुद ने रजिस्ट्रेशन कर दिया उसका, सेकंड टाइम में उस बंदे को रजिस्ट्रेशन करना सिखा दिया, और तीसरी बार में उसको अपने साथ बैठ के एक बार चेक कर लिया कि सही रजिस्ट्रेशन करता है। इट इज द गुड, मतलब डुप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप एक, मैं कई लोगों को देखता हूं कि रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार नीचे वो देते ही नहीं, जब तक कि मतलब क्या है ना, उनको कोई गाली ना दे आके कि तू मेरे को सिखा क्यों नहीं रहा है। सही बात है, एकदम राइट बात, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन है पहली बार में आप दिखाइए कि ऐसे होता है, दूसरी बार में सिखाइए कि ऐसे होता है, और तीसरी बार में ऑब्जर्व करिए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और चौथी, पांचवी, छठवीं, आठवीं, दसवीं बार की जरूरत ही नहीं है किसी की। तो सर ने हमेशा ऐसे ही किया, हमको एक बार दिशा दे के दिखाई, दूसरी बार बोला बेटा शाबाश आप दिशा कर सकते हैं। पहली बार में उन्होंने हमको एक दो बार स्टेज से प्लान दे के दिखाया, फिर बोला बेटा आप भी अच्छा प्लान कर सकते हो, हमें प्लानर बना दिया। फिर बोला कोर ट्रेनिंग ऐसे होती है बेटा, एक बार आप ये लेके देख लो, फिर बोला ऐसे कोर ट्रेनिंग करो बेटा आप भी कर सकते हो। तो आज जो नरसी ग्रेवाल जी ने इतना ह्यूज नेटवर्क बनाया है, उसके पीछे मेरे को ये पावर समझ में आती है। हम भी इस बात को समझें, जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उस भी समझें, डुप्लीकेशन की पावर को समझें, और जितना ज्यादा काम दूसरों को सिखा के करवा सकते हैं, उतना काम जल्दी से जल्दी उन पर विश्वास और जिम्मेदारी देके करवाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग। जी श्याम जी, कंटिन्यू करिए। बहुत बढ़िया। कई लोग कोठियारी बन जाते हैं, कोठियारी नहीं होते अपने, सब सब कुछ अपने पास ही रखते हैं। ग्रेट सर। क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूँ और वे खुद ही नहीं सीखते, तो दूसरे क्या सिखाएंगे? अगर कुछ सिखाते भी तो सिर्फ नेगेटिव। क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूँ? भाई सही चीजें अपने इस बिजनेस में जो भी अपने एथिक्स और सिद्धांत है, रेगुलर बस उन एथिक्स और सिद्धांतों पे खुद भी
सिखाओ और कमाओ, इसी प्रोसेस पे अपना ये बिजनेस चलता है। जैसे अपने ग्रेट सर ने बताया तो सही चीजें है, मान लो गलत भी बात लोग बोल रहे हैं तो उनको सही बातें सही करके उनको पेश करना, तो ये वाली बात है। ये जो लाइन है वो ऐसे है बिल्कुल कि एक जली हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है। तो ये लिखा है कि क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूँ, तो भाई सिखाऊंगा तो मैं तब ना जब मैं सही चीजें पहले खुद सीखूंगा। भाई मेरी मोमबत्ती जली होनी चाहिए ना दूसरी मोमबत्ती को जलाने के लिए। अब मेरी मोमबत्ती जली नहीं है तो मैं दूसरी मोमबत्तियों को कैसे जला सकता हूँ। ये वे खुद नहीं सीखते तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। बहुत बढ़िया, बेस्ट कवर हो गया। मेरी भावना मेरी टीम के प्रति क्या है, क्या मैं उन्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, उन्हें सिर्फ असफलता ही दिखती है। मेरी भावना हमेशा क्या रहती है लोगों को डेवलप करने की, लोगों को यदि कई बार ऐसा भी होता है कि डाउनलाइन के चेक अपलाइन से बड़े बन जाते हैं, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है तो भी आदमी को यही ये भावना रखनी है, क्योंकि भावना यहाँ पे खराब होती है। जब तक नीचे नीचे चल रहा होता है उससे छोटे चेक बन रहे होते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है जब तक भावना शुद्ध, और जैसे ही थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास करते हैं तो कई सीनियर्स लोग ही उनको रोकने का प्रयास करते हैं, कई सीनियर लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कई अपलाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और एकदम उनको कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो मेन भावना क्या है कि जैसे बेटा है वो बोलते हैं, गुरु जी लोग बोलते हैं कि सरपंच और सरपंच का बाप, सर वो कैसे है सरपंच और सरपंच का बाप। मैं यहाँ पर दो उदाहरण देना चाहूंगा, एक हिटलर का और एक गांधी जी। हिटलर और गांधी जी में अगर देखें तो गांधी जी में कम क्वालिटियां थी अगर आप देखेंगे, और हिटलर में बहुत ज्यादा क्वालिटियां थी। और लेकिन गांधी जी में क्या था, गांधी जी में आध्यात्मिकता थी, यानी दूसरों को आगे बढ़ाने की जो सबसे बड़ी बात होती है वो थी। गांधी जी सबसे बड़े रोल मॉडल थे पूरे हिंदुस्तान में, राजनीति के एक सबसे बड़े चेहरा थे। आप मुझे बताइए अगर वो चाहते तो पहली बार प्रधानमंत्री बन सकते थे कि नहीं। नेहरू को क्यों बनाते, क्या जरूरत थी नेहरू को बनाते, या कोई और को क्यों आगे करते। लेकिन गांधी जी ने हमेशा कैसे किया, गांधी जी ने अपने को पीछे रखा, और ये जो अपने पीछे रखने की भावना है उनको आज नोट पर छपा गई, और उनको राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता। राष्ट्रपति तो बहुत बनेंगे दुनिया में भारत के, लेकिन राष्ट्रपिता एक ही है, गांधी है, और हमेशा गांधी रहेंगे, दूसरा कोई राष्ट्रपिता बन नहीं पाएगा। इस बात पे अगर देखेंगे हम लोग तो हिटलर क्या चाहता था, हिटलर लोगों की भलाई चाहता था थोड़ी बहुत, लेकिन वो अपने को आगे रखता था। तो ये बिजनेस की परिकल्पना कैसी बात की है कि मेरी भावना मेरी टीम के प्रति क्या है, क्या मैं उन्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर किंग बनने की कोशिश मत करिए, आप किंग मेकर बनिए। बहुत सारे किंग्स, बहुत सारे क्राउन्स, बहुत सारे मर्करीज, बहुत सारे वीनस, बहुत सारे कैपिंग अचीवर्स आप बनाइए लाइए, और वो लोग फिर आपको हमेशा टॉप पर रखेंगे और आपकी हमेशा स्तुति बोलेगी, आपका हमेशा बहुत बढ़िया नेटवर्क बनेगा। इसमें बोला भी जाता है कि इस बात में आपकी बड़ी बात नहीं है कि आपकी कैपिंग आ गई या आप क्राउन बन गए या आप और कुछ बन गए, बात इसमें है कि आपके नीचे कितने लोग हैं जिनको आपने ये सब दिलवाया। तो इसका मतलब इस भावना से हम लोग काम करें। और जब भी श्याम जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब कोई हमसे आगे निकले चेक बड़ा बनाए तो इसको बहुत खुश होके मतलब क्या है ना स्वीकार करें ना कि, और इस बात को अंदर से ये भी सोचें कि बहुत ही बढ़िया है जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ और मेरे लिए ही हो रहा है, और इस बात की भावना को हमेशा ध्यान दें। बहुत बढ़िया। क्या मुझे चेक मिलते हैं, अगर हाँ तो क्या वे बढ़ती राशि में है। बहुत बढ़िया। क्या मुझे चेक मिलते हैं और रेगुलर, जैसे हमारे रजत हमारे डायरेक्टर साहब ने भी बोला था कि 5% इंक्रीजमेंट यदि अपन रेगुलर करते रहते हैं तो मिरेकल होता है, मिरेकल ज्यादा। जैसे मान लो किसी आदमी का 5,000 का चेक आ जाए तो 50,000 के लिए एकदम से ट्राई ना करें, 7 के लिए करें, 10 के लिए करें, 12 के लिए करें, 15 के लिए करें, तो 5% इंक्रीज करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। उन्हें चेक हाई नहीं मिलते हैं बढ़ती राशि में। हाँ सर आगे करूँ। कार्डिनल रूल्स, ये हमारे नाम ही है, इसका मतलब है 3 कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल का मतलब स्ट्रिक्टली अपने को फॉलो करना है ये रूल्स। और जितने भी ज्यादा नेटवर्क में खलबलियां मचती हैं, जितने भी नेटवर्क में तकलीफें आती हैं, और ये कार्डिनल रूल पूरे अपने काम में तो बहुत ज्यादा लागू होता ही है। ये जो रूल्स है पूरे ब्रह्मांड और पूरी धरती पे हर काम में लागू होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसका दुष्परिणाम भी देखा है।
और हर सेक्टर में दुष्परिणाम आए और उनको खुद को नहीं पता, ये तो हम सिस्टम और बहुत बहुत धन्यवाद देने जाएंगे इतनी ग्रेट नंबर वन कंपनी और ग्रेट नंबर वन सिस्टम का कि हमें यहाँ पे सफलता का रेशो इसलिए सबसे ज्यादा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बार 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 लर्निंग की बात की जाती है और सिस्टम की जो बातें की जाती है डिस्ट्रैक्ट नहीं होता बंदा। तो ये 3 कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें से पहला रूल जो है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की आहुतियां देने के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद, बहुत सारे लोगों के मतलब कि जब लोगों ने काम को छोड़ा, नेटवर्किंग जब स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारे दिनों के बाद ये रूल्स तैयार हुए हैं और रूल्स हमेशा तब बनते हैं जब तकलीफें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और बहुत गौर से समझना है नेटवर्किंग में, क्योंकि शुरुआत में आदमी काम ना करने की, काम ना चलने की वजह से छोड़ता है, लेकिन बड़े लेवल पे यदि कोई आदमी का नेटवर्क जा रहा है तो वो 3 कार्डिनल रूल की वजह से जाता है, 3 कार्डिनल रूल की वजह से जाता है। इसमें से पहला रूल जो निकल के आता है वो नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अप्लाई, यानी कि कोई भी नया काम करने से पहले आपको अपने एक्टिव, कई लोग पूरी लाइन को समझना है, एक्टिव जो एक्टिव है और सक्सेसफुल भी है, एक्टिव भी है और सक्सेसफुल भी है, उस अप्लाई से पूछे बिना आपको कोई भी नया काम नहीं करना है। नया काम कैसे होता है हमारे इस बिजनेस में, जैसे ही आदमी जुड़ता है, जुड़ते ही कई लोग बड़े मोटिवेट होते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, वो बोलते हैं कि सर ऐसा करते हैं कि अखबार में इश्तेहार छपा देते हैं कि खुल गई नौकरी खुल गई, आपको 20 लाख रुपए महीने की नौकरी खुल गई। उनको ऐसा लगता है कि लोग लाइन लगा के आएंगे। भाई कुछ ऐसे फेलियर्स भी होते हैं जो यहाँ पर जो हुए हुए होते हैं वो तुम्हें पकड़ लेंगे, अच्छा सेफ शॉप का बंदा आएगा तू। तो कोई भी नया काम करने, मैं आज तक भी, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे हेयर में मेरे को कलर कौन सा करवाना है वो भी मैं पवन जी से पूछता हूँ कि कलर कौन सा करवाना है। क्यों? क्योंकि वो गुड़गांव स्मार्ट सिटी में रहते हैं, उनको वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट आदमी है, वो बता देंगे कि भाई कौन सा करवाना है। फिर उन्होंने बताया कि श्याम बाल में कलर करवाए तो इनोवा करवाना, इनोवा करके है, इसमें 0% वो होता है, अमोनिया होता है। मैं तो क्या था, मैं तो अपने वो गार्नियर लगा लेता, सही है कि नहीं? तो इतनी छोटी छोटी बातें भी पूछनी होती है। और नेटवर्किंग में जैसे गाड़ी खरीदनी है, कई जोश जोश में कईयों का पुराना ड्रीम होता है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, घर परिवार से बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ही बिजनेस में जुड़ते हैं ड्रीम की बातें होती है, ड्रीम की बातें होके मोटिवेट हो जाते हैं और बुल्ट गाड़ी खरीद लेते हैं। सर मेरा सपना था, और करने के बाद सर को फोन करेंगे, मेरा सपना था वो सिस्टम में आके मेरा सपना पूरा हुआ, मैंने बुल्ट गाड़ी खरीद ली। अब कोई डाउनलाइन फोन करता है, सर आपको प्लान देने के लिए आना है 100 किलोमीटर दूर। अब 100 किलोमीटर दूर पहले जाएगा वो गाड़ी को लेके बड़बड़बड़ करते हुए, पहली बात तो वहां जाने के बाद में, पर प्लान ये जाने से पहले बोलेगा डीडी आए तो बता, डीडी नहीं आई तो मैं नहीं आने वाला, कन्फर्म दे, गारंटी दे। कन्फर्म और गारंटी अपने बिजनेस में कुछ नहीं होती है, जब संभावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हमारे जैन साहब बोलते हैं, ये बिजनेस पूरा संभावनाओं पे डिपेंड करता है। हो सकता है जिससे अपन मिलने जाए वो ग्राउंड एम्बेसडर हो, और आदमी का एफर्ट कभी फेल नहीं होते। तो वहां जाने के बाद में जब उसको प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट नहीं आते, हाथ झाड़ने लगता है, देखो पता है ये मोटरसाइकिल फ्री में नहीं चलती, इसमें डीजल पेट्रोल डलता है, इसमें पेट्रोल से चली है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं भाई, अब वो सीनियर बोलता है कि तेरे को, जूनियर बोलता है तेरे को किसने कहा तू बुल्ट लेके आ, टेम्पो में लटक के आता, प्लान दिखाने ही तो थे, टेम्पो में लटक के आके प्लान दिखाता। तो छोटी छोटी चीजें जब भी आपको लगती हैं, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, मोटरसाइकिल कौन सी खरीदनी है, किस लेवल पे कौन सा काम करना है, आज मैं सिल्वर लेवल पे हूं तो मेरे को कौन सी चीज लेनी है, पैसा आ रहा है चेक आ रहा है, कहीं FD करवाने लग जाते हैं, कहीं पैसा आ रहा है चेक आ रहा है, कहीं बड़े लेवल पे भी यही कहानी है, दिमाग चलना चालू हो जाएगा, ऐसा करता हूँ मैं विला बना लेता हूँ, अरे विला में घुस जाएगा, कई लोग विला से आज तक नहीं निकले। तो घर भी बनाने से पहले, गाड़ी भी खरीदने से पहले, मोटरसाइकिल खरीदने से पहले, यहाँ तक मैं बोलूंगा कि छोटे से छोटे काम से पहले आपको अपने अपलाइन से पूछना होता है, जिससे क्योंकि आपकी ग्रोथ में ही अपलाइन की ग्रोथ छिपी हुई होती है। तो ये पहला रूल है, और इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक, आगे चलो। नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने, बस इसमें क्या है, एक बात मैं बोलूंगा कि कभी भी
कोई भी काम करने से पहले आज्ञा लें, एक्चुअली बाद में अपलायन को सरप्राइज ना करें। बता बहुत सारे लोगों की क्या आदत होती है कि हम अपलायन को ना सरप्राइज देंगे, और सरप्राइज कैसे देते हैं कि सर मैंने कार मतलब क्या है ना बुक करा दी, तो अभी अपलायन मजबूरी में क्या बोलेगा, वेल डन यार बहुत ही बढ़िया, ग्रेट बेटा बहुत ही बढ़िया है, करो जल्दी खरीद लो, अच्छा है। लेकिन उसके मन में एक बात आएगी कि बेटा अगर पूछना ही था मेरे को तो बुक कराने से पहले पूछना था कि सर कौन सी मेरे गाड़ी का क्या एडवाइस कर रहे हो मेरे लिए, अभी मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा, अभी मेरी ये पोजीशन चल रही है, फंड इतना है मेरे पास, या मेरी जिम्मेदारियां ऐसी हैं, फिर उसके बाद लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए, ऐसे पूछना चाहिए था, देन अपलाइन के माध्यम से बुक करवानी। मैं मेरे जीवन के सारे डिसीजन सुनहरी जी से पूछ के लिए, अभी अभी फिलहाल की जगुआर भी है, मैं चला गया था, देख आया था, पक्का कर लिया था, और मैं और सुनहरी जी मतलब रुके हुए थे दिल्ली में, तब मैंने उनसे पूरी मोहर लगवाई, सारी उनको डील बताई, सर इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इतना हो रहा है, क्या बोलते हो, और मेरी ये सिचुएशन चल रही है, और मैंने कहा मेरी ऑडी मतलब क्या है ना थोड़ी सी अभी ऐसे हो गई है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने बोला गो है, बहुत बढ़िया यार कर लो, वेरी गुड। और तब मैंने श्याम जी वहाँ पे ले जाके उनको एडवांस दिया, बहुत बढ़िया, पहले उनसे बात की, पहले उनसे मोहर लगवाई, देन मैंने वहाँ ले जाके उनको एडवांस दिया। अपने जीवन के सारे निर्णय, अपने जीवन के लगभग सारे निर्णय मैंने उनसे पूछ के किए, जो भी बड़े निर्णय अहम निर्णय थे। काफी सारे लोग ना सरप्राइज देते हैं, और ये जो सरप्राइज देने वाली बात है इसमें क्या होता है, तुक्का लग भी सकता है और तुक्का खराब भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके निर्णय कभी सही नहीं होंगे, हो सकता है आपके निर्णय सही भी हों, लेकिन निर्णय गलत होने की संभावना बनी रहती है अगर आप पहले पूछते नहीं है तो, और अगर आप पहले पूछ लेते हैं तो निर्णय को गलत होने की संभावना खत्म हो जाती है, रिस्क जीरो हो जाता है। और समय क्योंकि अनमोल संपत्ति है हमारी, समय कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए कुछ भी नया करने से पहले इस बात को ढंग से सुने, नेवर डू एनीथिंग न्यू, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग या चेकिंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन या आपके मेंटर, जिनको आप मेंटर मानते हैं या जिनकी मेंटरशिप में आप काम। मैं यहाँ जरूर एक और बात बोलूंगा कि काफी सारे लोग जो सीनियर्स हैं, नए के लिए नहीं है, अभी सीनियर्स हैं, काफी लोगों के मेंटर को ही नहीं पता है कि उन्होंने किसको मेंटर माना होगा, वो तो क्या है बस शकल देख के टीका करते हैं, जहां शकल दिख जाएगी बोला आप मेरे मेंटर हो, कई तो इतने मतलब फितरती हैं, जब मेरे से मिलने आते थे पहले लॉकडाउन से पहले तो रस्ते में मेरा वॉलपेपर लगा लेते थे अपने उस पर मोबाइल, और लाके फिर मेरे सामने रख देते थे उसको, बोला सर देखो आप मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा मतलब क्या है ना मैं आपको एडमायर करता हूँ, कितनी ज्यादा बात सुनता हूँ, और फिर मेरे से मिलके जाते थे फिर रस्ते में किसी दूसरे का लगा लेते थे। ये जो तौर तरीके हैं वो एक्चुअली दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमको खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप बिल्कुल क्लियर कट रहिए, क्लियर करिए, और कोई भी चीज नहीं करने से पहले जरूर पूछिए। थैंक यू। गलत भी होती है तो दो भागीदार होते हैं, और अगर अकेले से गलत हुई तो सिंगल भागीदार होगा, और सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो, और सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है सिस्टम बनाया है, ये रूल बनाया है, ये किसी आदमी ने आज से पहले बहुत सालों पहले के रूल्स बने हुए हैं, तो ये रूल्स का यदि फॉलो करेंगे तो नियम और सिद्धांत है तो 100% मिलेगी। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, कभी भी अपनी डाउनलाइन के सामने और कभी भी क्रॉस लाइनिंग के सामने कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, कभी नहीं, नकारात्मक बात है। कई तो ऐसे कालिदास होते हैं जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि जो डाल पे बैठे होते हैं उसी को काट रहे होते हैं, तो ऊपर से कोई बात बोल रहे हैं सीनियर अपलाइन कि भाई ऐसे करना है, और वो उस बात को ना कहीं तो मैसेज ही नहीं भेजते हैं, कहीं तो सीनियर का मैसेज डला कि भाई इस मीटिंग में आना है, तो उनको पहले ही अपलाइनों को पता होता है कि इस मीटिंग में क्यों बुलाया जा रहा है, तो पहले कन्फर्म करके पूछेंगे कि सर क्या नाम है, रिपर्चेजिंग की तो बात नहीं होगी ना, स्टॉक की तो बात नहीं होगी ना, तब तो मैं अपनी मीटिंग के मैं लोगों को बैठाऊं, नहीं तो नहीं बैठाऊंगा। अरे उसको ये नहीं पता कि कितनी बड़ी गलती और कितना बड़ा भूचाल तो अपने नेटवर्क में ला रहा है कि जिस वजह से नेटवर्क और सिस्टम चल रहा है, जितने मारुति लोग सिस्टम के अपलाइन लोग बता रहे हैं, तो बहुत बड़ा भूचाल अपने नेटवर्क में पैदा कर रहा होता है, तो गंगा ऊपर से बह रही है तो उसको आगे पानी हाथ दे के आगे ही बहाना है, यदि बीच में छोटा छोटा डैम बनाएंगे तो कुछ दिनों बाद उस डैम में बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी बात जब भी आप अपने नेटवर्क में आती है
जो हो रही है सही है कि नहीं, आप बताओ मेरे को गलत है या सही है। तो कई तो बोलते हैं हाँ यार बात तू, एक आदमी ऐसा मिला है जो मेरे दिल की बात कर रहा है, ये बात तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो उसको नहीं पता कि आज तू तो पॉजिटिव हो जाएगा बाद में, लेकिन जिस आदमी के दिमाग ने तूने गलत चीज का बीज बो दिया है वो आने वाले भविष्य में कभी तेरे को रोल मॉडल नहीं मानेगा, कभी लाइफ में रोल मॉडल नहीं मानेगा। तो कोई भी नेगेटिव बात आए, आपने नेटवर्क को केवल एक ही चीज देना है, जोश देना है, उत्साह देना है, मोटिवेशन देना है, होप देनी है, इंस्पिरेशन देनी है, एक ही बात। अपने परिवार हो चाहे नेटवर्क हो चाहे घर हो, हमेशा एक ही बात, सारे भोलेनाथ बनना है, सारे जहर को पी लेना है और बाद में लोगों की भलाई के लिए बड़ा काम करना है। तो ये चीज हमें करनी है। और कई लोग डाउनलाइन के सामने तो बढ़िया बढ़िया कर लेंगे अपनी डाउनलाइन के सामने, लेकिन जिनसे कुछ फायदा नहीं होता है, यानी कि वो कहते हैं पड़ोसियों की को परेशान करना, पड़ोसियों के घर में पत्थर फेरना, पड़ोसियों का बुरा हो ये बात सोचना, तो ये बात भी कहीं ना कहीं भावना है, क्योंकि ये भावनाएं सामने वाले के साथ जाती है। जैसे हमारे ग्रेट सर लोग बोलते हैं सिस्टम में कि जैसा आप सोचते हो तरंगे उस आदमी के पास पहुंच जाती है, तो तुरंत रिफ्लेक्ट होकर वो तरंगे आपके पास भी आती है, तो तुम सोचते हो उससे पहले उसकी सोच आपके पास आ जाती है। तो ना तो डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव सोचना है, क्योंकि तुम बैठे बैठे सोच रहे हो तो तरंगे उसके पास जा रही है, और ना अपनी क्रॉसलाइन के बारे में कभी भी गलत सोचना है। हमेशा मोटिवेशन की बात करनी है, हमेशा प्रोत्साहन की बात करनी है, और वो यदि आगे से बात करने का प्रयास भी करे तो उनको एक ही बात बोलना है, सर काम के बारे में डिस्कशन करने से ना तो तुम्हारा फायदा होना ना मेरा फायदा होना है, हाल चाल घर परिवार की बात पूछ के बात को डिस्कनेक्ट कर देना है। ग्रेट सर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नेगेटिव जो है वो क्या होता है, एक जहर की तरह काम करता है, और ऐसा बोला जाता है मानसिकता भी ऐसी है हिंदुस्तान में कि खुजली करने में और चुगली करने में मजा बहुत आता है, खुजली करने में और चुगली करने में मजा बहुत आता है, क्योंकि जहां आपको खुजा खाज हो रखी है वहां खुजाने में मजा आएगा, और जहां कहीं भी थोड़ा सा भी मामला खराब दिख रहा है आपको वहां पर आपको चुगली करने में मजा बहुत आता है। अच्छा ये ह्यूमन मेंटेलिटी है, मैं किसी एक आदमी की नहीं कह रहा हूं, लगभग ह्यूमन सारे को ही मजा आता है खुजली में और चुगली में। तो हम लोगों को अगर सफलता लेनी है तो दूसरा कोई भी नेगेटिव नीचे ना दें और उसके लिए शंकर बनने की कोशिश करें। शंकर जी को महान क्यों माना जाता है और महादेव क्यों बोला जाता है, खाली देव क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि शंकर जी एक ऐसे भगवान है जिनको जहर पीने की क्षमता है, जहर को बचाने की क्षमता है, और हमको ऐसा प्लान बनना है कि अगर कुछ गलती हो रही है, कोई भी माइनस है या कुछ भी किसी का भी मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसको सर्व वॉमिक ना करें और उसको पचा के रखें। जितनी पचाने की आप में क्षमता होगी, जितना भी पॉजिटिव अच्छा नीचे आप देंगे उतना ज्यादा आपका नेटवर्क जो होगा वो ग्रो करेगा। तो इस जहर को ना फैलाएं, नेगेटिव पास ना करें अबाउट कंपनी, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट योर अपलाइन, अबाउट योर क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव बात किसी को भी बताने से एक्चुअली कभी भी फायदा नहीं होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया ग्रुप सर। तीसरा पॉइंट है नेवर एवर प्ले फैमिली विद फैमिली मेंबर्स ईगो स्पाउस एंड मनी, वो तीसरी चीज जो मिस हो गई है वो तो हमारे बैक ऑफ माइंड में बैठी हुई है। अल्कोहल, डोंट यूज अल्कोहल, नॉट यूज अल्कोहल इन बिजनेस। तो नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हमारा लोगों से रिलेटेड बिजनेस है, लोग अपने को घर पे बुलाते हैं, लोग अपने को घर पे प्लान देने जब जाते हैं, तो हमेशा आपको दूसरे के परिवार को, दूसरे के फैमिली को, दूसरे के घर को अपने परिवार की तरह मानना है और अपने परिवार की तरह ही आपको ट्रीट करना है। तो कभी भी आपको, क्योंकि कारण क्या है, कई लोग वहां जाके तो अच्छा बन जाएंगे, लेकिन कई लोग मार्केट में जब निकलते हैं, फील्ड में जब निकलते हैं, मोटरसाइकिलों में जब घूमते हैं, गाड़ियों में जब घूमते हैं, कईयों को तो इतना तक नहीं पता होता है कि जिस डाउनलाइन के साथ बैठे होते हैं वो लोग, उसी डाउनलाइन के साथ जो उसकी टीम का आने वाले भविष्य का क्राउन एम्बेसडर है, उसी मोटरसाइकिल पे जाते जाते बोलते हैं देख। और बता, अरे वो क्या बताएगा, कल को वो तेरे घर में जाके ताकेगा, तब किताब किसको बताएगा है? तो क्योंकि जिसकी भावनाएं एक बार गलत होगी तो वो समझ जाएगा कि ये भी ऐसा ही है। तो कभी भी आपको, कभी भी ना भावनाएं रखनी है किसी भी के प्रति। अपने घर में हमारे एक नारी सदा ब्रह्मचारी, अपने घर में एक नारी है बस सदा ब्रह्मचारी रहिए, और इसी परंपरा का पालन करना है अपने को, क्योंकि एथिक्स है और नियम है और सिद्धांतों का अपने को फॉलो करना है।
तो नेवर किसी भी फैमिली के साथ, क्योंकि जो हमारे ग्रेट सर बोलते हैं विदेश है ना, तो जो भी चीजें हैं वो विदेश में चलेंगे, थाईलैंड चलेंगे, और अपना अपना हिंदुस्तान है काम करने के लिए, अपने हिंदुस्तान में अपन को काम करना है, हमारा पवित्र है वेदों की नगरी। मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूंगा कि फैमिली मेंबर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई भी आदमी या कोई भी महिला जो भी हमारे बिजनेस में है, अपोजिट किसी भी आदमी के प्रति कोई भी आकर्षण हमारे बिजनेस में एक्चुअली चलता नहीं। और ये क्योंकि फैमिली बिजनेस है, इस बिजनेस में हम लोग दो ही बातें करें, इससे बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि मेरे को लगा, कि किसी की भी मैडम को आप भाभी ना बनाएं कभी, क्योंकि आप रिश्ते जोड़ने के लिए आए हैं या अपना बिजनेस करने के लिए आए हैं। मैं बहुत जल्दी देखता हूँ काफी सारे लोग, अरे भाभी जी है, भाभी जी वो, भाभी शब्द ही ऐसा है, जैसे ही आप भाभी बोलोगे आप मतलब क्या है ना, आपकी भावना समझ में आना चालू हो जाए। तो आप क्या बोलिए, आप या तो सिस्टर बोलिए अगर बोल सकते हैं आप में इतनी हिम्मत है तो, क्योंकि हिम्मत चाहिए होती है, और नहीं तो मैडम बोलिए। ये दोनों सम्मानीय शब्द हैं, या तो सिस्टर बोलिए या तो मैडम बोलिए, इसके अलावा तीसरा कोई भी किसी से संबंध बनाने की आपको जरूरत नहीं इस बिजनेस। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा, अपनी फैमिली की तरह दूसरे के परिवार को भी मानिए, अपने माँ बाप की तरह दूसरे के माँ बाप, अपने भाई की तरह दूसरे का भाई, अपनी बहन की तरह दूसरे की बहन। अगर आप इसी तरीके से सबको रेस्पेक्ट देंगे तो आप हमेशा अपना बहुत ही बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे। इसमें काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छा करके दिखाया, एक तो लोग हमारे साथ थोड़े उल्टे भी आए, उन्होंने गड़बड़ भी करी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपमानजनक और खराब इसके दुष्परिणाम पाए। तो इस वजह से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ईगो की बात अगर हम करते हैं तो ईगो ऐसे है कि हर आदमी का ईगो है दुनिया में, और बुरी बातें हर आदमी को बुरी लगती हैं और अच्छी बातें हर आदमी को अच्छी लगती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा लोगों के सामने पेश आए कि हमारी कोई भी बात दूसरों को बुरी लगे ही ना। तो इस तरीके से हमको अपने व्यवहार को परिवर्तित करना है इस बिजनेस में, क्योंकि हमको ईगो से खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। ये बहुत सारी पिक्चरों में भी डायलॉग है, बोला सब कुछ करना था इसको, लेकिन इसको ईगो नहीं मेरी मतलब वो करनी थी, हिट नहीं करना था। विलेन क्या बोलता है, बोला यार अब नहीं छोड़ूंगा इसको, या हीरो क्या बोलता है, बोला अब नहीं छोड़ूंगा इसको, क्योंकि इसने क्या कर दिया। बोला जाता है सबसे बड़ा सम्मान दुनिया में या सबसे बड़ी संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो है उसका आत्म स्वाभिमान या उसका खुद का ईगो, जिसको हम बोलते हैं ईगो। एक्चुअली गलत वर्ड है अंग्रेजी में, क्या है ना, डिफ्रेंशिएट नहीं होता शब्दों में, और हिंदी मेरे इसको इसीलिए भावना अच्छी लगती है हिंदी में, क्योंकि शब्दावली बहुत है हिंदी में, हिंदी में वर्ड्स बहुत ज्यादा है। तो हिंदी का एक अच्छा वर्ड है स्वाभिमान, अभिमान नहीं स्वाभिमान। तो किसी के स्वाभिमान पर कभी भी चोट ना करें, क्योंकि अगर आपने किसी के स्वाभिमान पर चोट किया तो वो संपत्ति पर चोट को सहलेगा, अपने घर मकान पर चोट को सहलेगा, या अपने और किसी बात पर चोट को सहलेगा, रिश्तों पर चोट को सहलेगा, लेकिन स्वाभिमान पर चोट को सहना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो स्वाभिमान पर चोट ना करें, और पैसे का लेन देन कभी भी इस बिजनेस में ना करें। मैं सिर्फ आपको अलाउड कर रहा हूँ 100, 200, 500 रुपए का ही व्यवहार रखें एक दूसरे के साथ। अगर किसी को 100-200 की जरूरत है उसकी पूरी कर दें, आपको 100-200 की कहीं से जरूरत है तो आप भी आगे पीछे कर लें, और 100-200, 500 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा लेना भी पड़े तो, और ये भी एक्सेप्शनल है, अगर ना लेना पड़े तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि चाहे 100 रुपया मांगो, चाहे 1 रुपया मांगो, और चाहे 1 लाख, चाहे 10 लाख, इज्जत तो उतनी खराब होती है, पैसा से थोड़ी फर्क पड़ता है, मांगने से फर्क पड़ता है या देने से फर्क पड़ता है। तो ये मांगने और देने का बिजनेस नहीं है इसमें। हर आदमी को पैसा जब भी संबंधों के बीच में आएगा, आपके बहुत बड़े बड़े पुराने संबंध खराब हो। दूसरा, मैं एक बहुत अच्छी बात और ऐड करना चाहता हूँ, जितनी बातें अभी तक श्याम जी ने बताई हैं, मैं चाहता हूँ इनके तजुर्बे के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं हम लोग। और श्याम जी को क्योंकि बहुत ही गहरा अनुभव है इस बिजनेस का, 11-12 सालों में इन्होंने पढ़ाई लिखाई करके बहुत सारी किताबें पढ़ के इस बिजनेस को सीखा है। मैं क्या बोलता हूँ, बोला जाता है एक चलन है, एक कहावत है कि अगर बहू घर में आई है या मतलब लड़का है जो अपना, तो अपने लड़के को अगर परखना है तो 2 टाइम पे परखिए, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। लड़के को अगर आपको परखना है तो 2 टाइम पे परखिए, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। तो शादी के बाद बहुत सारे लड़के क्या है, बेवफा हो जाते हैं दुनिया में,
क्योंकि उनको वफा कहीं और से ज्यादा मिलने लगती है। ऐसे ही इस बिजनेस में भी अगर डाउनलाइन को परखना है तो दो टाइम पर परखिए, एक पैसा आने से पहले, एक पैसा आने के बाद। एक पैसा आने से पहले और सम्मान, पैसा सम्मान मिलने से पहले, और एक पैसा सम्मान गाड़ी बंगला मिलने के बाद। तो जितने सारे लोग ये गाड़ी बंगला पैसा आने के बाद जिनके सर्किट फूक जाते हैं, वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी बातों का निचोड़ जो है मेरे को लगता है इस बात में जा रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और श्याम जी बहुत ही बढ़िया कवर कर रहे हैं, मैं चाहूंगा और आधा घंटा हमारे पास बचा है, श्याम जी कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं आप। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है TBF, टेप बुक एंड फंक्शन। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, आप ऐसे सहयोग करते रहो तो बहुत, मतलब लोगों को भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। टेप बुक एंड फंक्शन, क्योंकि अपने जो 5-8 स्टेप हैं उसमें से 5 स्टेप जो है ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा प्लान एंड फॉलो अप, वो आपको 20-30 हज़ार रुपये तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन आपको अगर 8 लाख रुपये, 16 लाख रुपये, 20 लाख रुपये पे अगर आपको पहुंचना है, और आपको अगर 52 लाख रुपए में पहुंचना है, तो लास्ट जो 3 स्टेप है वो आपकी टीम बिल्डिंग में सहयोग करते हैं। कौन सा? 100% यूजर, BA टीम प्लेयर, टेप बुक एंड फंक्शन। ये 3 जो स्टेप ये टीम बिल्डिंग में सहायक होते हैं। तो कई लोग ड्रीम लिस्ट इन्वेस्टमेंट तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन 3 स्टेप में मात खा जाते हैं। इसलिए वो जोड़ तो लेते हैं लोगों को लेकिन रोक नहीं पाते लोगों को। कारण क्या है? 3 स्टेप उनके पूरे नहीं होते हैं। तो उसमें से लास्ट जो स्टेप आता है, 8 स्टेप का लास्ट स्टेप है ये टेप बुक एंड फंक्शन। टेप बुक एंड फंक्शन, इसमें आगे चलता हूँ सर, आगे इसका डिस्क्रिप्शन होगा ना। हाँ, मैंने इस बिजनेस को शुरुआत से जब मेरे साथ बढ़िया अच्छा क्या हुआ कि ग्रेट सर ने, योगेश यादव सर ने, क्योंकि मैं लर्निंग का बड़ा शौकीन था, पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। एक छोटा सा आईपॉड था और ये काम हर आदमी को हर ज्वाइन एसोसिएट के साथ करना चाहिए, जो ग्रेट सर योगेश यादव सर ने मेरे साथ किया। एक छोटा सा आईपॉड था जो टाइनी जाता था, 350 रुपए का, वो मेरे को खरीद के दिया। और उसमें सारी ट्रेनिंग है, सारी ट्रेनिंग है जितनी भी थी, नायर साहब की आग ही आग ट्रेनिंग थी, अपनी खजाना में जितनी 28 ट्रेनिंग थी, जैन सर की जो जनरेटिंग मोर एप्लीकेशन थी, नजरिया ट्रेनिंग थी, और जितनी भी 8 स्टेप ट्रेनिंग थी, देव सर का कोर, ओम प्रकाश जी का कोर, हर्ष अग्रवाल जी का 8 स्टेप, नारी लाल जी की लिस्ट, वो सारी ट्रेनिंग है मेरे को उसमें डाल दी थी। MLM का भी देता। तो वो डालने के बाद में क्या हुआ, टेप में रेगुलर मैं जब ट्रैवलिंग करता था, मोटरसाइकिल पे जाता था, गाड़ी में जाता था, प्लान दिखाने जाता था, क्योंकि पहले मेरे पास साधन नहीं था, तो मेरे कान में एक ही काम होता था, लीड लगी रहती थी और ट्रेनिंग सुनता रहता था, लीड लगी रहती थी और ट्रेनिंग सुनता रहता था। क्योंकि शुरुआत के टाइमिंग पीरियड में हमारा जब इस बिजनेस में बंदा ज्वाइन होता है तो जस्ट लाइक ICU की तरह होता है, जैसे एक बच्चा ICU में होता है और शुरुआत में जैसे घर में आता है तो सबसे ज्यादा केयर करने की माँ बाप को जरूरत कब होती है? जब बच्चा ICU में होता है और जब वो छोटा होता है, तो धीरे धीरे बाद में बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ही दौड़ने लग जाएगा। तो शुरुआत के टाइमिंग पीरियड में टेप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी जो बेसिक ट्रेनिंग है आप, क्योंकि आजकल लोग क्या है, आग ही आग ट्रेनिंग को भी, क्योंकि वहां पे यूट्यूब पे अपने आप जाते हैं और सीनियर बोल देते हैं आग ही आग ट्रेनिंग सुन लेना, वहाँ आग ही आग के नाम से पता नहीं कौन सी आग लगी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसका लगा के फोटो डाल रखा है। तो मेन बात क्या है कि आप कोई भी चीज रिकमेंडेड, जैसे हमारे यहाँ का ये 10 कोर स्टेप का एक स्टेप ये भी है, आप रिकमेंडेड बुक एंड टेप सुने, रिकमेंडेड जो आपका सीनियर बोले आपको वो ही सुनना है। अगर देश तरक्की करनी है तो टेप सुनना, बुक पढ़ना। शुरुआत में मेरे साथ बढ़िया अच्छा सर ने क्या किया, पहली किताब जो मेरे को रिकमेंड की थी वो प्रगति सूत्र किताब थी, जो आज है प्रगति, पहले प्रतियोगिता दर्पण थी, अभी प्रगति सूत्र किताब है। और उससे भी प्रगति सूत्र किताब में हमारे महागुरु जी, नरसिंह अग्रवाल जी, जैन साहब और पूरे हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और कंपनी के मेन पिलर जो बड़ा काम करके दिखाए हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, और उनका पूरे 30 लाख की टीम का, 40 लाख की टीम का, 50 लाख की टीम का, और पूरी दुनिया में जो नेटवर्किंग में करोड़ों करोड़ों की टीम बना चुके हैं, उनका पूरा एक्सपीरियंस अपने को सबसे पहली किताब जो है वो प्रतियोगिता प्रगति सूत्र किताब है, जो हमारे सिस्टम के माध्यम से रिकमेंड की जाती है, वो मैंने शुरुआत में पढ़ी। उसके बाद दूसरी किताब जो मेरे ग्रेट सर ने रिकमेंड की थी वो थी बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू। क्योंकि समुद्र तट पर क्रियान्वयन किताब पढ़ोगे तो उसमें भी जिम डोरमैन, जो बहुत बड़ा नेटवर्कर हुआ है, साल का 72 करोड़ रुपया कमाता है, वो भी बोलता है कि मेरी जीवन की
की सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो दो किताबों का रहा है। पहली है बड़ी सोच का बड़ा जादू और दूसरी है लोक व्यवहार में कुशलता। ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो मैंने शुरुआत से रीडिंग की थी। बेसिक किताबें थी, उसके अलावा पैराबल द पाइपलाइन, उसके अलावा कॉपी केट मार्केटिंग, ये सारी किताबें जो शुरुआत में मेरे को मेरे ग्रेट सर के माध्यम से रिकमेंड की गई थी, उन किताब को मैंने रेगुलर रीडिंग किया और आपको भी सेम डुप्लीकेशन मेरे नेटवर्क में होता चला गया। और तीसरा जो चीज है वो है फंक्शन रेगुलर, क्योंकि किताब के बारे में एक बात और बोली जाती है कि किताब जब आदमी खरीदता है तो गरीब बनता है और किताब जब आदमी पढ़ता है तो रईस बनता है। किताब आदमी खरीदता है तो गरीब बनता है और पढ़ता है तो अमीर बनता है और उसको जब जीवन में अमल लाता है तो आदमी रईस बन जाता है। ये बात भी मैंने किसी किताब में पढ़ी हुई देखी थी। और हमारे ग्रेट सर देवेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि जब मैं 2009 की बात है, देवेंद्र शर्मा जी हमारे ग्रेट सर योगेश यादव साहब की शादी में आए हुए थे, तो मैं वहीं पे बगल में खड़ा हुआ इनकी बातों को सुन रहा था। तो ये समझा रहे थे कि जो आदमी बुक रीडिंग करता है, ट्रेनिंग सुनता है, उस आदमी के पास समस्या आने से पहले समाधान होता है। उसके पास प्रॉब्लम नाम की चीज कभी आएगी नहीं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसको पहले से ही पता होता है, क्योंकि किताबों का ही नाम ऐसा है, संकट सफलता की नींव है। बताओ बिली जो जोली की किताब संकट सफलता की नींव है, ये किताब का क्या नाम है, वो है क्या टाइटल है, तो चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेल कार्नेगी के, आप उसको पढ़ो तो उसे ये टाइटल है चिंता छोड़ो सुख से जियो, तो ये टाइटल है किताबों का, साहस विफलता का ये टाइटल है किताबों का। तो ये टाइटल जिसने भी लिखे हैं उनके पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस, पूरे जीवन का एक्सपीरियंस, और एक किताब आदमी जब लिखता है तो पूरी जीवन का एक्सपीरियंस उसमें डाल देता है। तो एक आदमी को यदि अपन एक सप्ताह में भी एक किताब पढ़ते हैं तो एक आदमी सक्सेसफुल आदमी का पूरा जीवन अपने अंदर चला जाता है। और जिस आदमी ने जितनी ज्यादा किताबें पढ़ी है, वो जितने ज्यादा लोगों की ट्रेनिंगें सुन रहा है, जितने ज्यादा वेबिनार में आप आ रहे हो, ये एक्सपीरियंस होल्डर 17 साल 18 साल जिन्होंने 30 लाख की टीम बना के रखी है, जिन्होंने 8 लाख की टीम बना के रखी है, किसी ने 10 लाख की टीम बना के रखी है, रजत वर्मा साहब जो हमारे डायरेक्टर साहब है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं, तो उनकी मीटिंगों को जितना ज्यादा सीरियस लेंगे, जितना ज्यादा अपन सीरियसली लेंगे, तो वो बार बार, मैं 4 लाख का कोई पूछे मेरे पास 4 लाख का चेक कैसे आए, मैं बताता हूँ उसका राज क्या है कि मैंने कोई भी मीटिंग मिस नहीं की, कोई भी मीटिंग मिस नहीं की। वो बोलते थे दोस्तों इस बार इसका बना, तो वहां पे मेरे दिमाग में आती थी कि कभी ना कभी हमारे ग्रेट रजत शर्मा जी हमारा भी नाम बोलेंगे, ग्रेट सर नरसिंह ग्रेवाल जी हमारा भी नाम बोलेंगे, ग्रेट सर देवेंद्र शर्मा जी हमारा भी नाम बोलेंगे, जितने भी हमारे ग्रेट सर हमारा नाम बोलेंगे। तो भावनाएं जब इस चीज को ज्यादा सुनते हैं संगत से आती है रंगत। तो ये जो टेप और बुक्स का बहुत बड़ा जीवन में योगदान है, और ट्रेनिंगों का जो भी सिस्टम से रिलेटेड जूम पे या ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन चाहे छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, आप 100% अपलाइन का फोन उठाने, सबका रोल होता है एक आदमी की बड़ी सक्सेस में। और तीसरा जो रोल होता है वो फंक्शंस का होता है। मेरा उत्पन्न मेरा बिजनेस में आगमन ही फंक्शन से हुआ है, क्योंकि 2009 में एक फंक्शन होने जा रहा था जब मैंने फोरम भरा हुआ था, फोरम भरा हुआ बंदे को योगेश सर ने, जब अपने जैन साहब आए थे वो महावर ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हुआ था उसमें मेरे को बैठाया, उसमें सीक्रेट नाम से मूवी जो दिखाई थी पहली बार सीक्रेट मूवी वहीं पे दिखाई गई थी, उस सीक्रेट मूवी ने मेरे दिमाग में घुस गई और मेरा जितना भी जीवन बना उस सीक्रेट मूवी को कम से कम 1000 बार मैंने देखा होगा। उस मूवी का बहुत बड़ा रोल, क्योंकि वही वाली बात है बचपन में जो बच्चे के दिमाग में डाली जाती है वो उसके लाइफ टाइम उसके दिमाग में रहती है, तो वो मूवी ने मेरे जीवन में बदलाव लाया। उसके बाद बहुत सारे मेरे नेटवर्क में लीडर हैं जो फंक्शंस की ही देन है, और जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं वो भी कि ना किसी फंक्शन, आज जो लोग वेबिनार पे लंदन का टारगेट जीत रहे हैं, लोग वेबिनार पे थाईलैंड का टारगेट जीत रहे हैं, जिन्होंने ऑफलाइन फंक्शनों को नहीं अटेंड किया है, वो लोग ऑनलाइन में जो जीता वही सिकंदर, जितने भी ये फंक्शन और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जितने भी कोर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जितने भी लोग इन मीटिंगों को सीरियसली ले रहे हैं और इनको एक दाल कटोरा एक बड़ा फंक्शन मान के इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं की टीम में बहुत सारे डायमंड बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर आने वाले भविष्य में ऑनलाइन पैदा हो रहे हैं। ये फंक्शंस का रोल हो, फंक्शन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इम्पोर्टेंस जो ऑनलाइन है वही ऑफलाइन होती है। ग्रेट सर तीन
प्लान, प्रोडक्ट ब्राउजर, प्रोडक्ट शोकेस, प्लान फोल्डर, ऑडियो सीडी, वीडियो डीवीडी, इंफॉर्मेशन पैक, वो केवल सीनियर से डिस्कशन करते रहे और बहुत बढ़िया हो जाएगा इसमें। पावर ऑफ टूल्स, यहाँ से मेरा सेशन चालू। शुभारंभ, शुभारंभ भाई हमेशा अपने पास रहनी चाहिए 24 घंटा, क्योंकि शुभारंभ, अब कई लोगों को बोले सब शुभारंभ नहीं है डायरी लो। मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो योगेश यादव सर के घर पे जब मैं गया था तो उन्होंने मेरी डायरी में लिस्ट बनवाई थी, बोला श्याम ये ले नेम लिस्ट, वो साल लिख के दे दिया मेरे को। अब इसमें लिस्ट बना तो मैंने 72 लोगों की लिस्ट ऑन द स्पॉट, 72 लोगों की लिस्ट मैंने ऑन द स्पॉट बना दी थी। और आज की डेट में जितने भी डायमंड मेरी टीम में है वो सारे लोग शुरुआत के 4-5 डायमंड वो लिस्ट की देन है, शुभारंभ की देन है। और ये जस्ट लाइक ऐसे है जब अपन पहली क्लास में जाते हैं तो कायदा दिया जाता है ना कायदा, और कायदे में पढ़ पढ़ के तो हमारे ये बिजनेस में जुड़ने के बाद में ये पहला कायदा है और ये हर आदमी के पास होना चाहिए। जब तक कायदा नहीं है तो अपनी डायरी का यूज करें। इसमें लिस्ट कैसे बनाते हैं वो बताया गया है, इसमें इनविटेशन करते हैं उसका भी इंडेक्स है, इसमें फॉलो प्लान करते हैं उसका भी इंडेक्स है, फॉलो अप करते हैं उसका भी इंडेक्स है, और FIM करते हैं उसका भी इंडेक्स है। इस पूरी शुभारंभ को यदि आप भरते हो तो ये पूरी शुभारंभ भी आपको कैंपिंग पे पहुंचाने का मादा रखती है। ये इतना बड़ा योगदान है शुभारंभ का, तो इसका यूज कर सकते हैं आप। ये हमारे बिजनेस का कोर्स है प्लान फोल्डर। ये जब अभी अपना प्लान फोल्डर क्या है, अपनी जो भी प्लान की शीट है अभी ऑनलाइन अपन है तो अपने प्लान की जो भी है क्या नाम है PDF फाइल है उसका कई लोग तो प्लान ही नहीं दिखा रहे। अरे प्लान दिखाओ, जैसे अपन ऑफलाइन में प्लान दिखाते थे वैसे ऑनलाइन में दिखा रहे, उस टाइम फेस टू फेस दिखाते थे यहाँ पे ऑनलाइन में दिखा रहे। तो सब लोग अपनी PDF लो, जूम ऐप में अपने 40 मिनट का फ्री आता है उसका रेगुलर ट्राई करना स्टार्ट करो जूम ऐप पे, और कर करके ही आदमी सीखता है। तो प्लान फोल्डर का यूज आपको ऑफलाइन में भी करना है और ऑनलाइन में भी आपको PDF के रूप में यूज करना है। ये 72 घंटे जो आती है, ये 72 घंटे इसका नाम ही 72 घंटे है। बीच में बंदे के साथ क्या करना है आप कुछ मत करो, जैसे ही जोड़ा उसको 72 घंटे ये आप उसको पकड़ा दो, अपने आप को समझ जाएगा कि मेरे को 72 घंटे में क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, FIM में के बीच में क्या चीजें करनी है, कौन सी चीजें लोगों को बतानी है नहीं बतानी है। और ये चीज ना करने की वजह से लोग अपने हिसाब से लोगों को बता देते हैं कि 2 जोड़ने का बिजनेस है और नीचे 2 लोग बोलेगा ऐसी कंपनियां तो बहुत आई और बहुत चली गई। ऐसा कुछ होता नहीं है, चेक आते नहीं है, ये लोग बेवकूफ बनाते। कारण क्या है कि उनके पास 72 घंटे उनको जब ज्वाइन होते हैं उसको देना होता है कि आप दे दोगे तो बाहर मूड नहीं देगा, इसमें मूड मारेगा और उसको इस प्रमोट करके देना है, प्रमोट करके देना है। इसके बाद में इनविटेशन कार्ड, मेरा जो इस बिजनेस में आना हुआ योगेश यादव साहब ने इनविटेशन कार्ड दिया था, और क्योंकि आजकल की डेट में लोग शादी के टाइम पे कार्ड ना देने की वजह से ही शादी के जो रिश्ते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब तक लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि मेरे शादी में जरूर जरूर आना, तो कई लोग तो उल्टा भेज देते हैं ले भाई 2100 रुपए का कन्यादान भी कर देना, उल्टा भेज देते हैं बंदे के पास में। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो इन्विटेशन है वो प्रैक्टिकल, आप ऑफलाइन में जब आप काम करें तो प्रैक्टिकल उसका बहुत लॉजिक है, क्योंकि ये सिस्टम के जो भी डील टूल है ये सारी चीजों का लॉजिक है, और इन सिस्टम की चीजों से यदि आप दूर भगेंगे तो गारंटी जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट नहीं आएंगे। भाई मेरे को जब योगेश यादव साहब ने इन्विटेशन दिया तो हो सकता है कि मेरे से पहले 5,000-10,000 के इन्विटेशन का खर्चा कर दिया होगा कार्डों का, लेकिन एक श्याम सिंह चौहान ने बिजनेस है ये, आज उनके परिवार में करोड़ों रुपए चले गए हैं, तो एक इन्विटेशन की वैल्यू, क्योंकि जो आज आप एफर्ट डाल रहे हो, जो आप आज इन्विटेशन कर रहे हो, जो आप प्लान दिखा रहे हो, उसका एफर्ट का फल आपको मिलेगा और कितने गुना मिलेगा वो आने वाले भविष्य बताएगा, और एक आदमी आपको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट देके जाएगा। तो कभी भी एफर्ट में लॉस एंड प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। इन्विटेशन कार्ड है, और उसके बाद पावर ऑफ टूल्स, टूल्स के द्वारा दिमाग की धार तेज होती है, टूल्स का यूज जितना करोगे आप उतना काम तेज गति से दौड़ेगा। टूल्स के रूप में जैसे हमारे ग्रेट सर बोलते हैं अपने अपलाइन का चेक, जो आप व्हाट्सएप पे भी स्टेटस पे भी लगाते हो, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं स्टेटस पे अपने लगा लेता हूँ मैं चेक, और मैं लोग पता नहीं किस लिए करते हैं, मैं तो स्टेटस जो सीन करता है उसी के पास फोन कर देता हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जो पुराने हैं जो मैं भूल गया था, उनसे सीन करते हैं, मैं उनके पास फोन करता हूँ। तो स्टेटस के ऊपर से भी मैंने 2 लोगों की ज्वाइनिंग ले ली है 400-400 BB की। तो ऐसे भी आप इन चीज़ों का जो अपने चेक का छोटी छोटी चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं ऑफलाइन के टाइमिंग पीरियड में भी, ऑनलाइन में। तो ये है, और काम आसान होता है अगर हम एक एकड़ खेत छुरी काटे खोदना हो तो
काम आसान होता है, टूल शो का सारा लेंगे, टूल शो का यूज करेंगे तो काम उतना ही ज्यादा इजी होता चला जाएगा। और मुंह से कभी भी बातों से जंग नहीं जीती जाती है, हथियारों से जंग जीती जाती है। आज की डेट में आज अमेरिका का जनसंख्या 32 करोड़ है, लेकिन पूरा वर्ल्ड उससे थर्राता है। कारण क्या है? उनके पास टूल्स है, उनके पास हथियार है, उनके पास ऐसे ऐसे बम है कि पूरा विश्व थर्राता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत बड़े टूल्स है। तो जब किसी युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो हमारे पास सभी हथियार होंगे, हम तभी उस युद्ध को जीत सकते हैं। हमारे हथियार क्या है? हमारे यहाँ पर कोई बंदूक तो रखनी नहीं है, कोई स्टैंड गन तो रखनी नहीं है। हमारे यहाँ के हथियार क्या है? हमारे यहाँ के प्लान फोल्डर, हमारे यहाँ का हथियार है इन्विटेशन कार्ड, शुभारंभ, ये सारी चीजें DVD क्या नाम है, सीनियर के माध्यम से भेजी गई अपने ऑडियो वीडियो बुक्स, ये सारे हमारे इस बिजनेस के टूल्स है जिनका यूज यदि अपन करते हैं तो बड़ा काम हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को आप बोल कर नहीं समझा सकते तब आप टूल्स की सहायता ले सकते हैं। तो जैसे जब आप किसी आदमी को बोल के नहीं, आप किसी आदमी के पास कोई वीडियो भेज दो, जैसे कोई डॉक्टर है, आप उसके पास कहीं बिजी हो जाओ, आप उसको एक ही बात बोलना कि सर ये डॉक्टर का वीडियो है ये आप सुन लेना, आपको गारंटी है सुबह के टाइमिंग पीरियड में आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी। तो जिस आदमी को अपन वर्बली नहीं, अपन खुद नहीं बोल सकते तो उसके आगे तू टूल्स का यूज करके आप ऑटो पायलट में, बहुत सारे हजारों एग्जांपल ऐसे हैं जिनके पास अपन लाए, अपन खुद नहीं पहुंच पाते हिंदुस्तान में। आज की डेट में जैसे जूम है, ये भी एक टूल्स है, जूम भी एक टूल्स का काम कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व इस जूम के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इस टूल्स का यूज अपने जितने ज्यादा नेटवर्क में प्रेजेंट में करवाएंगे, पहले जो आदमी प्लान कर सकते हैं, रोलअप कर सकते हैं, 100 से ऊपर के लोगों का पैनल यदि कंप्लीट करवाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्लानर बनेंगे। टीम दो तीन जगह होती है, आर्मी में एक टीम होती है जो कि देश को बचाती है, देश की सुरक्षा करती है, सीमाओं की सुरक्षा करती है। पुलिस भी एक टीम होती है जो अंदर हमारे इंटरनल पूरा का पूरा भारत में है, जो सारी की सारी टीम होती है। और एक टीम होती है जो कि खिलाड़ियों की टीम होती है, और खिलाड़ियों की टीम क्या करती है, वो देश का नाम रोशन करती है। तीनों के तीनों लोगों का पार्ट है और टीम बहुत बड़ी टीमों के उदाहरण है। लेकिन साथियों, ये जो टीम और टीम है ना, ये दो टीम के बिना कभी नहीं चल सकती। एक है टीम और ट्रेनिंग और दूसरा है टीम और टूल्स। एक है टीम और ट्रेनिंग, दूसरा है टीम और टूल्स। अच्छा, क्रिकेट को देखते हैं कि अगर उनको ट्रेनिंग अच्छी ना मिले और उनको जो बैट है, पैड है, बॉल है, स्टंप है और जितने भी टूल्स हैं उनके अगर वो ना दिए जाएं, तो आप क्या सोचते हैं? क्या वो क्रिकेट खेल के जीत के आ सकते हैं, फुटबॉल में जीत के आ सकते हैं, ओलंपिक में जीत के आ सकते हैं? या हमारी आर्मी की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, अगर उनको ट्रेनिंग प्रॉपर ना मिले और टूल्स प्रॉपर ना मिले जो कि उनके हथियार हैं, तो क्या वो जीत के आ सकते हैं या वो क्या वहाँ खड़े रह सकते हैं? सेम पुलिस के साथ है। वैसे ही हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें एक टीम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये दो